हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। इस वीडियो में हम अगस्त 2020 के टॉप करंट अफेयर्स एमसीक्यूज करेंगे। इस सीरीज का ये पार्ट वन होगा। पार्ट टू जल्द ही अपलोड हो जाएगा, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। मेरा नाम है अभिषेक शर्मा, चलिए करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। ऑन 1st August 2020 बाल गंगाधर तिलक वॉज कॉमेमोरेटेड ऑन हिज विच डेथ एनिवर्सरी। 1 अगस्त 2020 को बाल गंगाधर तिलक जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 400th। इनका जन्म 1856 में हुआ। इन्हें फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट या फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस भी कहा जाता है। महात्मा गांधी ने इन्हें द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा था। केसरी इन मराठी लैंग्वेज और मराठा इन इंग्लिश लैंग्वेज इनके दो फेमस न्यूज़पेपर्स रहे। 1916 में महाराष्ट्र, कर्नाटक और सेंट्रल प्रोविंसेस में इन्होंने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये इन्हीं का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज एज्यूम्ड चार्ज एज एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ वेस्टर्न एयर कमांड ऑफ इंडियन एयर फोर्स। निम्न में से किन्हें भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमांड का एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। पश्चिमी एयर कमांड का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। नभ स्पृशम दीप्तम, ये इंडियन एयरफोर्स का मोटो है। यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना के बाद इंडिया फोर्थ नंबर की वायुसेना है। राष्ट्रपति इंडियन एयरफोर्स के सुप्रीम कमांडर हैं। इंडियन एयरफोर्स में अब तक एक ही ऑफिसर को 5-स्टार रैंक दिया गया है और उनका नाम है अर्जन सिंह। आर के सिंह भदूरिया जो कि करंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं, उनकी 4-स्टार रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम PLI टारगेट्स विच अमंग द फॉलोइंग सेक्टर्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर। 1 अप्रैल 2020 को इस स्कीम की अधिसूचना जारी की गई थी। इस स्कीम के तहत मोबाइल फोन्स या अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के इंक्रीमेंटल सेल्स पर 4-6% का इंसेंटिव दिया जाएगा। 2019-20 इसका बेस ईयर है। रविशंकर प्रसाद के पास 3 पोर्टफोलियो है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, ये तीनों ही मिनिस्ट्री इनके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, August 1 to August 7, 2020 इज बीइंग सेलिब्रेटेड एज। 1 अगस्त से 7 अगस्त किस सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। देखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और इम्यूनी बूस्टर विटामिन A, B, C, D, K, कैल्शियम, जिंक, आयरन, सोडियम, ये सभी ब्रेस्ट मिल्क में पाए जाते हैं। देखिए, कोलेस्ट्रॉम क्या होता है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा जा सकता है। बच्चे को जन्म देने के बाद माँ जो पहला दूध अपने बेबी को पिलाती है उसे कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरखा न्यूक्लियर पावर स्टेशन द अरब वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट हैज बीन स्टार्टेड इन विच कंट्री। अरब वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर प्लांट बराखा न्यूक्लियर पावर स्टेशन किस कंट्री में शुरू किया गया? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। देखिए, UAE की कैपिटल है अबू धाबी और यहां की करेंसी है UAE दिरहम, जिसे AED से रिप्रेजेंट किया जाता है। हाल ही में UAE ने अरब वर्ल्ड का पहला इंटरप्लेनेटरी मार्स प्रोब होप ऑर्बिटर भी लॉन्च किया था। खलीफा बिन जायद अल नहायन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अरब वर्ल्ड में कितनी कंट्रीज हैं, तो आंसर होगा 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड लंग कैंसर डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 अगस्त 1। देखिए, लंग कैंसर अकाउंट्स फॉर नियरली 1 in 5 कैंसर डेथ्स ग्लोबली। सिम्टम्स ऑफ लंग कैंसर इंक्लूड लेबर्ड ब्रीदिंग, कफिंग ब्लड, चेस्ट और बैक पेन्स एंड म्यूकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट डॉग दैट वॉज टेस्टेड COVID-19 पॉजिटिव डाइड इन विच सिटी। किस शहर में विश्व के पहले कोरोना पॉजिटिव डॉग की मृत्यु हुई? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 न्यूयॉर्क। ये एक जर्मन शेफर्ड डॉग था जिसका नाम बडी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री आफ्टर कैनेडा हैज डिस्टेंस्ड इटसेल्फ फ्रॉम पंजाब रेफरेंडम 2020। कनाडा के बाद किस कंट्री ने खुद को पंजाब रेफरेंडम 2020 से अलग किया? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 यूनाइटेड किंगडम। 6 फॉर जस्टिस SFJ एक US बेस्ड अलगाववादी संगठन है जो पंजाब को इंडिया से अलग कर खालिस्तान बनाने की मांग कर रहा है।
और इसी के लिए वह रेफरेंडम 2020 भी ऑर्गेनाइज कर रहा है। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10 जुलाई 2019 को इसे बैन कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कंपनीज आर आस्क्ड बाय द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट टू पे न्यूज एजेंसीज फॉर देयर कॉन्टेंट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू, गूगल एंड फेसबुक। देखिए, ऑस्ट्रेलिया सरकार ने फेसबुक और गूगल से कहा है कि वो देश में किए गए एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू का हिस्सा लोकल मीडिया फर्म्स के साथ भी शेयर करें। ऑस्ट्रेलिया में वहां के लोकल मीडिया प्लेयर्स ये शिकायत करते हैं कि बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों का दबदबा एडवर्टाइजिंग में ज्यादा होता है, जिससे उन्हें काफी लॉस हो रहा है। हालांकि फेसबुक एंड गूगल ने इस बात से नाराजगी जताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हसमुख भाई जोशी हु डाइड रिसेंटली वॉज द क्रिकेट कोच ऑफ विच रणजी टीम। हसमुख भाई जोशी, जिनका हाल ही में देहांत हुआ, किस रणजी टीम के कोच थे? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री, सौराष्ट्र। इन्हें बाबा भाई जोशी भी कहते थे और करंट रणजी चैंपियन कौन सी टीम है? सौराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलन पाकर हु डाइड रिसेंटली वॉज एसोसिएटेड विद विच इंडस्ट्री। एलन पाकर, जो कि हाल ही में जिनका देहांत हुआ है, किस इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, फिल्म। वे ब्रिटिश डायरेक्टर थे और मिडनाइट एक्सप्रेस, जो कि काफी फेमस मूवी रही है, इन्होंने ही डायरेक्ट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागजान ऑयल फील्ड दैट वॉज सीन इन न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। बागजान ऑयल फील्ड किस भारतीय राज्य में स्थित है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, आसाम। 9 जून से इस तेल के कुएं में आग लगी हुई है। ऑयल इंडिया लिमिटेड के अंदर ये वेल आता है। डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क और मगुरी मोटापुंग वेटलैंड्स इस वेल के काफी करीब हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट में ये भी कहा है कि इस आगजनी से गैंगेचिक डॉल्फिन्स पर बुरा प्रभाव पड़ा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भोजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई है, जो इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन विल चेयर द कमिटी फॉर नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2020। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के सिलेक्शन पैनल के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, मुकुंदकम शर्मा। और इस कमेटी के अदर्स मेंबर हैं वीरेंद्र सहवाग, जो कि क्रिकेटर रह चुके हैं, सरदार सिंह हॉकी प्लेयर, मोनालिसा बरुआ टीटी प्लेयर, वेंकटेश देवराजन बॉक्सर। ये कमेटी किन किन अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट करेगी? राजीव गांधी खेल रत्न, द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुना अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार अवार्ड एंड मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। रामायण बैले इज द मोस्ट स्पेक्टेकुलर डांस ड्रामा ट्रूप ऑफ विच कंट्री? कंबोडिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, नेपाल। रामायण बैले किस देश की नृत्य नाटक मंडली है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू, इंडोनेशिया। रामायण बैले को इंडोनेशिया में सिद्धांतरी रामायण भी कहा जाता है। यह रामायण थीम पर आधारित एक डांस स्टाइल है, जिसमें बिना बोले आर्टिस्ट अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। कंबोडिया के अंकोरवाट मंदिर में रामायण के दृश्य स्टोन या वुडन पैनल्स पर भी देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ MSME लॉन्च्ड खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन। हु अमंग द फॉलोइंग इज द यूनियन मिनिस्टर फॉर MSME? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग ने खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन की शुरुआत की। निम्न में से सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय किस मंत्री के पास है? रामविलास पासवान, पीयूष गोयल, DV सदानंद गौड़ा, नितिन गडकरी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर, नितिन गडकरी। ये एक रोजगार बढ़ाने वाला प्रोग्राम है, जो कि खादी विकास एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रपोज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी INST डेवलप्ड नैनो रोड्स टू प्रोवाइड अ लो कॉस्ट अल्टरनेटिव नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ विच डिजीज। इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी INST ने किस बीमारी के बिना सर्जरी लो कॉस्ट इलाज के लिए नैनो रोड्स डेवलप की हैं? हर्निया, क्लब फुट, कैटोरेक्ट, यूरिनरी आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री, कैटोरेक्ट। कैटरेक्ट, जिसे मोतियाबिंद भी कहते हैं, आंखों के लेंस के धुंधला या क्लाउडी होने के कारण साफ न देख पाने की समस्या होती है। आई लेंस क्रिस्टलाइन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। जब ये प्रोटीन नष्ट होने लगता है या इसका ह्रास होने लगता है, तब एक मिल्की ब्लू या ब्राउन रंग की सतह बनने लगती है, जिससे साफ देखने में तकलीफ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड संस्कृत डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? विश्व संस्कृत दिवस किस दिन मनाया जाता है? अगस्त 1,
August 2nd, August 3, August 4th. The correct answer is option 3, August 3rd. देखिए 3 अगस्त को ऑल इंडिया रेडियो ने संस्कृत दिवस के उपलक्ष्य में बहुजन भाषा संस्कृत भाषा एक संस्कृत कार्यक्रम भी प्रसारित किया. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स वर अवार्डेड बाय वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्पावरमेंट कोहोर्ट. वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्पावरमेंट समूह द्वारा कितनी महिला उद्यमकर्ताओं को सम्मानित किया गया. 8, 11, 15, 20. द करेक्ट आंसर इज 11. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन रूरल दैट हैज मूव टूवर्ड्स इट्स सेकेंड फेज कॉल्ड ODF प्लस विल कंटिन्यू टिल विच ईयर्स. स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का दूसरा फेज यानी ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस किस साल तक जारी रहेगा. 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25. The correct answer is option 4, that is 2024-25. Second phase या ODF plus का मकसद लोगों में खुले में गंदगी ना करने की आदत को बनाए रखना है तथा सॉलिड एवं लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज को लोगों तक पहुंचाना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवादी पार्टी लीडर अमर सिंह हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज अ सिटिंग राज्यसभा MP फ्रॉम विच स्टेट. समाजवादी पार्टी नेता अमर सिंह जिनका हाल ही में देहांत हुआ किस प्रदेश से राज्यसभा सांसद थे. आसाम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, दैट इज उत्तर प्रदेश. इनका जन्म यूपी के आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हुआ था. किडनी समस्या से जूझ रहे थे और सिंगापुर में इनका निधन हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग रेलवेज रैन फर्स्ट एवर व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन. रेलवे के किस जोन ने व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की. नॉर्दर्न रेलवेज, वेस्टर्न रेलवेज, सदर्न रेलवेज, ईस्टर्न रेलवेज. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, नॉर्दर्न रेलवेज. ये ट्रेन छोटे व्यापारियों का सामान कम समय में ट्रांसपोर्ट करेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, कमल रानी हु डाइड बैटलिंग COVID-19 वॉज द टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर इन द कैबिनेट ऑफ विच स्टेट गवर्नमेंट. कमल रानी जिनका कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया किस प्रदेश की तकनीकी शिक्षा मंत्री थी. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, उत्तर प्रदेश. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट सेलिब्रेटेड आदि पेरुकू और आदि मॉनसून फेस्टिवल. आसाम, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, तमिलनाडु. देखिए 2 अगस्त को ये फेस्टिवल मनाया गया. इसमें कावेरी नदी को उसके जल योगदान के लिए धन्यवाद दिया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग F1 रेसिंग ड्राइवर्स वॉन ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स. इनमें से किस F1 रेसिंग ड्राइवर ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता. लेविस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टैपन, लैंडो नॉरिस, डेनियल रिचियार्डो. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, लुइस हैमिल्टन. ये ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर हैं जो मर्सिडीज फॉर्मल 1 टीम के लिए पार्टिसिपेट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लेटेस्ट टू सस्पेंड इट्स एक्सट्राडिशन ट्रीटी विद हांगकांग. निम्न में से किस देश ने हाल ही में हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि समाप्त की. जर्मनी, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, जर्मनी. देखिए ब्रिटेन ने हांगकांग का एडमिनिस्ट्रेशन 1997 में चाइना को सौंप दिया था. और एक टर्म आती है फाइव आइज. फाइव आइज एक इंटेलिजेंस अलायंस है जिसके सदस्य हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, विद एडिंग 3 मोर स्टेट्स मणिपुर, नागालैंड एंड उत्तराखंड एंड द यूनियन टेरिटोरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम इज अवेलेबल इन हाउ मैनी स्टेट्स. 3 और राज्य मणिपुर, नागालैंड, उत्तराखंड एंड केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर जुड़ने के बाद एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना कितने राज्यों को शामिल कर चुकी है. 16, 20, 23, 24. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 24. देखिए इसमें सभी राज्य मार्च 2021 तक कवर हो जाएंगे. एक उदाहरण से इस योजना को समझते हैं.
मान लीजिए कोई राशन कार्ड धारक उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में रहता है और काम करने की तलाश में मुंबई शिफ्ट हो जाता है। वर्तमान समय में वह मुंबई के सस्ते गल्ले या फेयर प्राइस शॉप से राशन नहीं ले सकता, लेकिन एक राष्ट्र एक कार्ड योजना के तहत वह देश की किसी भी फेयर प्राइस शॉप से राशन ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज कंसिडरिंग मिंटिंग अ कॉइन टू कमेमोरेट महात्मा गांधी इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ पीपल फ्रॉम द ब्लैक एशियन एंड अदर माइनॉरिटी एथनिक कम्युनिटीज। इनमें से कौन सा देश ब्लैक एशियन माइनॉरिटी एथनिक कम्युनिटीज के योगदान के उपलक्ष में महात्मा गांधी के सिक्के जारी करने पर विचार कर रहा है? द यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, द यूएसए, फ्रांस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, यूनाइटेड किंगडम। 2 अक्टूबर को गांधी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। विच कंट्री विटनेस्ड इट्स पार्लियामेंट्री इलेक्शंस ऑन अगस्त 5? 5 अगस्त 2020 को किस देश में संसदीय चुनाव के लिए वोट्स डाले गए? नेपाल, जापान, श्रीलंका, बांग्लादेश। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, श्रीलंका। देखिए, श्रीलंका की लेजिस्लेटिव कैपिटल श्री जयवर्धनेपुरा कोटे है, जबकि कोलंबो इसकी एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल है। ऑफिशियल लैंग्वेज है सिंहला या तमिल। श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रूपी। तांबा पानी, एलम, सेलोन इसके पौराणिक नाम है। श्रीलंका का नेशनल एम्बलम है गोल्ड लायन पाषाण। देखिए, पाषाण का मतलब होता है राइट या दायां पंजा उठाकर चलने वाला एनिमल। और यहाँ की संसद में 225 मेंबर होते हैं। गोताबाया राजपक्षे राष्ट्रपति हैं, जबकि महिंदा राजपक्षे प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैलापागोस आइलैंड्स दैट वर इन न्यूज रिसेंटली आर अ पार्ट ऑफ विच कंट्री? गैलापागोस आइलैंड्स जो कि हाल ही में न्यूज में रहा, किस देश का हिस्सा है? इक्वाडोर, इंडोनेशिया, मलेशिया, रशिया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, इक्वाडोर। देखिए, ये आइलैंड यूनेस्को के फर्स्ट 12 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में से एक हैं। इक्वाडोर के अनुसार चाइनीज वेसल्स इनकी वाटर टेरिटरी से अपनी फ्लीट ले जाते हैं, जिनसे यहाँ की इकोलॉजी डिस्टर्ब हो रही है। इक्वाडोर एक साउथ अमेरिकन कंट्री है और इसकी कैपिटल है क्विटो एंड करेंसी US डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री ऑफिशियल कमीशन्ड इट्स ऑन बेडो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम कॉन्स्टिलेशन? किस देश ने बेडो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम कमीशन किया? जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम, चाइना। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, चाइना। देखिए, बेडो की पोजिशनल एक्यूरेसी 10 मीटर्स है, जबकि GPS की ओनली 2.2 मीटर्स है। GPS USA का, ग्लोनास रशिया का, गैलीलियो यूरोपियन यूनियन का और नेविक इंडिया का नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। नेविक की एक्यूरेसी है 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी राव पाटिल निलंगेकर हु डाइड रिसेंटली वॉज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? शिवाजी राव पाटिल निलंगेकर, जिनका हाल ही में देहांत हुआ, किस प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, महाराष्ट्र। ये कांग्रेस के लीडर थे, जिन्होंने 1985-86 तक महाराष्ट्र के CM के रूप में काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैपिटल सिटी इज रॉक्ड बाय अमोनियम नाइट्रेट एक्सप्लोजन दैट किल्ड एटलीस्ट 80 पीपल? किस शहर में अमोनियम नाइट्रेट धमाके के कारण कम से कम 80 लोगों की मृत्यु हो गई? डमस्कस, बेरूत, अंकारा, कायरो। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, बेरूत। देखिए, डमस्कस तो कैपिटल है सीरिया की, बेरूत कैपिटल है लेबनान की, अंकारा कैपिटल है टर्की की एंड कायरो कैपिटल है इजिप्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यूट्यूब चैनल सहकार कूपट्यूब NCDC इंडिया? किस मंत्रालय ने नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी NCDC के यूट्यूब चैनल सहकार कूपट्यूब NCDC इंडिया का उद्घाटन किया? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए, NCDC द्वारा लिया गया इनिशिएटिव है और नरेंद्र सिंह तोमर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्राहिम अलकाजी हु डाइड रिसेंटली वॉज द फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? इब्राहिम अलकाजी, जिनका हाल ही में देहांत हुआ, किस संस्थान के पूर्व निदेशक रह चुके हैं?
नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ललित कला अकेडमी, संगीत नाटक अकेडमी, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। देखिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो कि न्यू दिल्ली में है, एक ऑटोनोमस संस्था है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज आई स्टैंड फॉर इन EVIN? EVIN में आई का मतलब क्या है? इंटेलिजेंस, इंटरमीडिएट, इंटरनेशनल, इंट्रैक्शन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, इंटेलिजेंस। देखिए EVIN की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। इट प्रोवाइड्स रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑन वैक्सीन स्टॉक्स एंड फ्लोज एंड स्टोरेज टेम्परेचर्स अक्रॉस ऑल कोल्ड चेन पॉइंट्स इन द कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयदीप भटनागर इज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? जयदीप भटनागर को किस ऑर्गेनाइजेशन का नया डायरेक्टर जनरल बनाया गया? प्रसार भारती, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया रेडियो। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर, ऑल इंडिया रेडियो। देखिए ऑल इंडिया रेडियो 1956 से आकाशवाणी के रूप में जाना जाता है, ये 1936 में इस्टेब्लिश हुई, प्रसार भारती का ये एक अंग है और 1976 में दूरदर्शन को ऑल इंडिया रेडियो से अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट 112 पीपल डाइड आफ्टर कंज्यूमिंग स्पूरियस लिक्वर? जहरीली शराब पीने से किस राज्य में 112 लोगों की मृत्यु हुई? पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबल लॉरेट जॉन ह्यूम हु डाइड रिसेंटली वॉज अ प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन ऑफ विच कंट्री और रीजन? नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूम जिनका हाल ही में देहांत हुआ किस देश के पॉलिटिशियन थे? द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्रीमिया, नदर्न आइलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री, नदर्न आइलैंड। देखिए इन्होंने गुड फ्राइडे एग्रीमेंट या बेलफास्ट एग्रीमेंट जो कि 1998 में साइन हुआ, इसमें काफ़ी योगदान दिया। इस एग्रीमेंट ने नदर्न आइलैंड में पॉलिटिकल वायलेंस को समाप्त किया था। नदर्न आइलैंड की कैपिटल है बेलफास्ट एंड यहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, जबकि रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की कैपिटल है डबलिन एंड इसकी करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन रमेश पोखरियाल निशंक लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM एट धोलाकुआं इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? धोलाकुआं, जहां पर शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने IIM की नींव रखी, किस राज्य में है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू, हिमाचल प्रदेश। देखिए 2014 में 7 नए IIMs बनाने का निर्णय इस सरकार ने लिया था और इसी के अंतर्गत IIM धोलाकुआं की स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द स्वदेश दर्शन स्कीम टूरिज्म मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल वर्चुअली इनोग्रेटेड वर्ल्ड क्लास थेंजवाल गोल्फ रिजोर्ट प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किस राज्य में थेंजवाल गोल्फ रिजोर्ट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया? मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुशक बकुला रिनपोशे एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच टाउन और सिटी? कुशक बकुला रिनपोशे एयरपोर्ट किस सिटी में स्थित है? लेह, श्रीनगर, शिमला, त्रिपुरा। द करेक्ट आंसर इज लेह। इस एयरपोर्ट की सुरक्षा का जिम्मा CISF को दे दिया गया है, इसलिए ये आजकल न्यूज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टार्टअप्स विल बी फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विद 12 करोड़ रुपीज टू प्रमोट एग्री फर्म्स इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर? एग्री फर्म्स को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार कितने स्टार्टअप्स पर 12 करोड़ रुपए खर्च करेगी? 105, 112, 122, 152। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू, दैट इज 112। देखिए इससे 29
एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर भी बनाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स इज आर करेक्टली मैच्ड? वंदवन ब्रदर्स एक्यूज्ड इन यस बैंक स्कैम, कोठारी ब्रदर्स कार सेवा इन अयोध्या। वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नन ऑफ द अबव। देखिए इस क्वेश्चन में बताना है कि क्या ये दोनों पेयर मैच करते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री, बोथ वन एंड टू। देखिए यस बैंक फाउंडर राणा कपूर और कपिल एंड धीरज वाधवान यस बैंक स्कैम में एक्यूज्ड हैं। रामकुमार कोठारी और शरद कोठारी दो भाई थे जो कार सेवा करने के लिए 1990 में अयोध्या आए थे। इनकी पुलिस फायरिंग में मृत्यु हो गई थी। अयोध्या राम टेम्पल मामले के कारण आजकल इनके नाम चर्चा में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज अप्रूव्ड अ $3 million ग्रांट टू इंडिया फ्रॉम इट्स एशिया पैसिफिक डिजास्टर रिस्पॉन्ड फंड APDRF? किस बैंक ने अपने एशिया पैसिफिक डिजास्टर रिस्पॉन्ड फंड से इंडिया को $3 million यानी लगभग 22 करोड़ रुपए अप्रूव किए? एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, एशियन डेवलपमेंट बैंक। देखिए और भी लोन्स हैं जो 2020 में ADB ने इंडिया को दिए हैं, तो आप यहाँ से इनको पढ़ सकते हैं। और ADB का हेडक्वार्टर है मनीला इन फिलीपींस, एंड ADB वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन 19 दिसंबर 1966। फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 इज टॉप्ड बाय विच कंपनी? किस कंपनी ने फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू, एप्पल। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सेकंड एंड सैमसंग ने थर्ड रैंक इस लिस्ट में हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदन कुमार मंडल हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर कमर्शियल ऑफ विच कंपनी? चंदन कुमार मंडल किस कंपनी के निदेशक नियुक्त किए गए? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर, NTPC, एंड NTPC स्टैंड्स फॉर नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ARSC इज अ सब स्कीम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग योजना? ARSC निम्न में से किस योजना का भाग है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, PM आवास योजना अर्बन। ARSC का मतलब है अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस। ये स्कीम शहरी प्रवासियों के लिए लॉन्च की गई है। हरदीप सिंह पुरी के पास मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन का चार्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द आर्किटेक्ट हुज डिजाइन हैज बीन अडॉप्टेड बाय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द राम टेम्पल इन अयोध्या? निम्न में से किसे श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र द्वारा राम मंदिर बनाने का कार्य सौंपा गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, चंद्रकांत सोमपुरा। ये एक वास्तुकार हैं और रामवीर सुतर ने स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में है इसको डिजाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू टाइम एशियन जूनियर हैमर थ्रो चैंपियन आशीष जाकर हैज बीन बैंड फॉर हाउ मेनी ईयर्स बाय नाडा? नाडा द्वारा दो बार के एशियन जूनियर हैमर थ्रो विजेता आशीष जाकर कितने सालों के लिए बैन किए गए? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री, 4 years। ये मेथाडिनोन के डोप टेस्ट में फेल हो गए हैं इसलिए इन्हें 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, दैट इज CAG? निम्न में से किन्हें नियंत्रक और लेखा परीक्षक का कार्यभार दिया गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, गिरीश चंद्र मुर्मू। देखिए मुर्मू साहब राजीव महर्षि जी की स्थान लेंगे। आर्टिकल 148 से 151 CAG की नियुक्ति और कार्य क्षेत्र को डिफाइन करता है। CAG राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं और CAG का रिमूवल प्रोसीजर सेम होता है जैसे कि एक सुप्रीम कोर्ट जज के लिए होता है। CAG की सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ड्रॉ की जाती है और अगर वरीयता की बात की जाए तो CAG 9th नंबर पर लिस्टेड है, फर्स्ट पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंटेड द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? निम्न में से किन्हें जम्मू एंड कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया गया है? द करेक्ट आंसर इज
ऑप्शन फोर मनोज सिन्हा, देखिए ये दूसरे उपराज्यपाल होंगे जम्मू एंड कश्मीर के, इससे पहले भी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज में काम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी इंक्ड पैक्ड विद अमेजोन वेब सर्विसेज टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ क्लाउड सॉल्यूशंस टू एंटरप्राइजेस इन इंडिया। किस टेलीकम्युनिकेशन कंपनी ने अमेजोन वेब सीरीज के साथ क्लाउड सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए समझौता किया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन भारतीय एयरटेल। देखिए रिलायंस जियो ने भी माइक्रोसॉफ्ट के एजूर क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ सिमिलर पैक्ट किया हुआ है, ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनीज लॉन्च्ड इट्स न्यू डिजिटल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम नेम्ड माई गुरुकुल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन अपोलो फार्मेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड्स बिगेस्ट न्यूक्लियर फ्यूजन प्लांट स्टार्टेड इन विच कंट्री। किस देश में विश्व के सबसे बड़े न्यूक्लियर फ्यूजन प्लांट की शुरुआत हो चुकी है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन फ्रांस। देखिए इस रिएक्टर का नाम है ITER, इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, और इस ITER के मेंबर्स कौन कौन है? चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, जापान, कोरिया, रशिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी एक्वायर्ड व्हाइट हेड जूनियर इन $3 मिलियन डील। किस कंपनी ने व्हाइट हेड जूनियर को $300 मिलियन में अधिग्रहण किया? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन बायजूस। देखिए बायजूस बायजू रविंद्रन द्वारा 2011 में सेटअप की गई है कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, जबकि व्हाइट हेड जूनियर मुंबई में हेडक्वार्टर्ड है और करण बजाज इसके फाउंडर एंड CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI चेयरमैन अजय त्यागी गो टेन्योर एक्सटेंशन ऑफ हाउ मेनी मंथ्स। SEBI के चेयरमैन अजय त्यागी का कार्यकाल कितने महीनों के लिए बढ़ाया गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, 18 months। SEBI वॉज established ऑन April 12, 1992 एंड SEBI का हेडक्वार्टर है मुंबई में। इट इज द रेगुलेटर ऑफ द सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी मार्केट इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑनलाइन पेमेंट्स प्रोसेसिंग सर्विस लॉन्च्ड व्हीकल इंश्योरेंस इन पार्टनरशिप विद बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप एको जनरल इंश्योरेंस। किस ऑनलाइन पेमेंट कंपनी ने एको जनरल इंश्योरेंस के साथ मिलकर व्हीकल इंश्योरेंस की शुरुआत की है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 अमेजोन पे। अमेजोन पे वॉज लॉन्च्ड इन 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैशन ई कॉमर्स कंपनी एक्वायर्ड दीपिका पादुकोन्स ऑल अबाउट यू फैशन ब्रांड। किस ई कॉमर्स कंपनी ने दीपिका पादुकोन की ऑल अबाउट यू फैशन ब्रांड को एक्वायर्ड किया? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन मिंत्रा। देखिए मिंत्रा का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, ये फ्लिपकार्ट की सब्सिडरी कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिकटॉक इज गोइंग टू सेट अप इट्स फर्स्ट यूरोपियन डेटा सेंटर इन विच कंट्री। किस देश में टिकटॉक अपना फर्स्ट यूरोपियन डेटा सेंटर खोलने जा रही है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 आयरलैंड। देखिए इस डेटा सेंटर पर टिकटॉक $500 मिलियन खर्च करने वाली है। बाइट डांस ने 2017 में टिकटॉक को लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न लिस्ट इंडिया इज होम टू हाउ मेनी यूनिकॉर्न्स। देखिए यूनिकॉर्न्स में कंपनीज होती हैं जिनकी वैल्यू $1 बिलियन या इससे ज्यादा की होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न लिस्ट के अनुसार इंडिया में कितनी यूनिकॉर्न कंपनीज हैं? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 21। देखिए इंडिया 4th नंबर पर है आफ्टर US, चाइना एंड UK। और अगर यूनिकॉर्न्स की बात की जाए तो पेटीएम भारत की लिस्ट में नंबर 1 पर है। इस लिस्ट में ओवरऑल 586 यूनिकॉर्न्स को जगह दी गई है। टॉप 3 यूनिकॉर्न्स चाइना की हैं, एंड ग्रुप पहले नंबर पर है, उसके बाद बाइट डांस और फिर डीडी चूजिंग, ठीक है। अच्छा ये यूनिकॉर्न वर्ड किसने कॉइन किया था? ये कॉइन किया गया था एलियन ली द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क फिलिप्स इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। मार्क फिलिप्स किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? द करेक्ट आंसर इज
गयाना। देखिए गयाना एक साउथ अमेरिकन कंट्री है जिसकी कैपिटल जॉर्जटाउन है और करेंसी गयानीज डॉलर है। प्रेसिडेंट ऑफ गयाना इज इरफान अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, शशिधर जगदीशन इज अपॉइंटेड द सीईओ ऑफ विच बैंक। शशिधर जगदीशन को किस बैंक का सीईओ नियुक्त किया गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, HDFC बैंक। देखिए शशिधर जगदीशन को 3 साल के लिए सीईओ बनाया गया है और इन्होंने आदित्यपुरी को रिप्लेस किया है। नीचे ये कुछ बैंक दिए गए हैं, लेफ्ट साइड में पेरेंट बैंक है और राइट साइड में सब्सिडरीज बैंक है। जैसे विजय बैंक और देना बैंक अब मर्ज हो चुके हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में। सिंडिकेट बैंक मर्ज हो चुका है केनरा बैंक में। अलाहाबाद बैंक मर्ज हो चुका है इंडियन बैंक में। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स मर्ज हो चुका है पंजाब नेशनल बैंक में। आंध्र बैंक और कॉरपोरेशन बैंक मर्ज हो चुके हैं यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में। पार्ट्स ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन प्लेसेस वॉज इंक्लूडेड इन पाकिस्तान न्यू पॉलिटिकल मैप। भारत की किस जगह का हिस्सा पाकिस्तान ने अपने नए राजनीतिक नक्शे में शामिल किया है? द करेक्ट आंसर इज जूनागढ़। देखिए पाकिस्तान के पीएम ने यह नक्शा जारी किया जिसमें भूतपूर्व जम्मू कश्मीर राज्य और गुजरात के जूनागढ़ को शामिल किया गया है। कुछ समय पहले नेपाल ने भी लिपुलेख, लिमियाधुरा और कालापानी को अपना हिस्सा बताया था। देखिए इस मैप में आप कई सारी लोकेशन समझ सकते हैं। जो आपको डॉटेड लाइन है, जो रेड डॉटेड लाइन है, ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। और जो एक सिंगल डॉट बना हुआ है, रेड सिंगल डॉट, ये जो अभी इंडिया चाइना के बीच में क्लैशेज हुए उस पॉइंट को दर्शाता है। और जो डार्क ग्रीन लाइन है ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। और जो लाइट ग्रीन है ये शशम वैली है जो कि पाकिस्तान ने चाइना को दी थी। और येलो लाइन है इंडिया एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर। और जो पिंक एरिया आपको दिख रहा है ये चाइना एडमिनिस्ट्रेड अक्साई चीन। अब आप यहाँ पर देखिए अक्साई चीन एंड शशम वैली के बीच में सियाचिन ग्लेशियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल हैंडलूम डे फॉल्स ऑन विच डेट। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, August 7। देखिए नेशनल हैंडलूम डे 2015 में फर्स्ट टाइम मनाया गया। 7 अगस्त 1905 यानी इसी दिन कोलकाता में स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया गया बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिए। इसी की स्मृति में ये नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। यहाँ पर कुछ स्टेट्स और उनके हैंडलूम्स दिए गए हैं, आप इन्हें जरूर नोट डाउन कीजिएगा। ई धागा ऐप कच्चे माल की जानकारी बुनकरों को देती है। देखिए भारत सिल्क का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। सुआलकोची को मैनचेस्टर ऑफ असम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्यामल चक्रवर्ती हु रिसेंटली डाइड ऑफ कोरोना वायरस वॉज द वेटरन लीडर ऑफ विच पार्टी। श्यामल चक्रवर्ती जो कि हाल ही में कोरोना वायरस से जिनका देहांत हो गया है वो किस पार्टी के लीडर थे? द करेक्ट आंसर इज आंसर टू, CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रह चुके हैं ज्योति बासु जी की जब सरकार थी। CPIM 1964 में बनी थी। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ CPIM इज पॉलिट ब्यूरो। ओके, और इसका सिंबल भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन SIH 2020 इन विच डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी डाइट हैज बैग्ड फर्स्ट प्राइज वॉज हेल्ड इन विच स्टेट। स्मार्ट इंडिया हैकाथन किस राज्य में संपन्न हुई? करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश। ये नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज में संपन्न हुई और इसे जीता है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नित्यानंद राय हु इनोग्रेटेड द फर्स्ट वेबिनार सीरीज ऑन हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल हैजार्ड्स रिस्क रिडक्शन इज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर विच मिनिस्ट्री। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू, होम अफेयर्स। देखिए नित्यानंद राय मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया एक्सटेंडेड लाइन ऑफ क्रेडिट वर्थ $18 million टू विच कंट्री फॉर द एक्सपेंशन ऑफ फिशिंग फैसिलिटीज। भारत ने किस कंट्री को मत्स्य उद्योग बढ़ाने के लिए $18 million की लाइन ऑफ क्रेडिट दी है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर, मालदीव्स। देखिए लाइन ऑफ क्रेडिट्स का मतलब होता है कि इंडिया ने जो $18 million मालदीव को दिए हैं इसे मालदीव कभी भी यूज कर सकता है। और अगर ये ओपन लाइन ऑफ क्रेडिट एग्रीमेंट है तो फिर मालदीव फिर से बोरो कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which among the following central minister flagged off medicine van for flood victims of Bihar? किस मंत्री ने बिहार बाढ़ पीड़ितों के लिए मेडिसिन वैन को रवाना किया? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई संजीवनी इज द नेशनल हेल्थ टेली कंसल्टेशन सर्विस लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? ई संजीवनी किस राज्य की टेली कंसल्टेशन सर्विस है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री, तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई और यहाँ के प्रेजेंट गवर्नर हैं बनवारीलाल पुरोहित और यहाँ के सीएम हैं ई के पलनी स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई सस्पेंडेड द टाइटल स्पॉन्सरशिप डील विथ चाइनीज मोबाइल फोन कंपनी वीवो फॉर द अपकमिंग एडिशन ऑफ द आईपीएल। वीवो हैड वॉन द आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप फॉर 5 years फ्रॉम, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री, 2018 से 2022 तक के लिए ये स्पॉन्सरशिप वीवो को दी गई थी। देखिए जो इस बार का आईपीएल है वो सितंबर 19 से नवंबर 10 तक चलेगा आबू धाबी यूएई में। वीवो, ओप्पो, रियलमी, वन प्लस इन सब की ओनर एक ही कंपनी है जिसका नाम है बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीमेंस वर्ल्ड टीम स्क्वैश चैंपियनशिप 2020 विल बी प्लेड इन विच सिटी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर, क्वालालंपुर। क्वालालंपुर की कैपिटल है मलेशिया और दीपिका पल्लिकल, कार्तिक, जोशना चिनप्पा और सौरभ गोसाल ये टॉप रैंक्ड इंडियन स्क्वैश प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज लॉन्च्ड SN5 स्टारशिप द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल लॉन्च व्हीकल विद एन एबिलिटी टू कैरी ओवर 100 मेट्रिक टन्स टू द अर्थ ऑर्बिट? निम्न में से किस कंपनी ने SN5 स्टारशिप जो कि वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल लॉन्च व्हीकल भी है को लॉन्च किया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू, SpaceX। देखिए एलन मस्क फाउंडर हैं SpaceX के और SpaceX का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में। SN5 इसके स्पेसक्राफ्ट क्रू एंड कार्गो के लिए रियूजेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोड द बुक नेम्ड विशेष कोड टू विन? विशेष कोड टू विन बुक किसने लिखी है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर, निरुपमा यादव। ये बुक इंडिया के यंगेस्ट बास्केटबॉल कैप्टन विशेष ब्रिगवंशी से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बूस्ट कॉटन एक्सपोर्ट्स द कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया CCI विल ऑल्सो सेट अप इट्स ऑन वेयर हाउस इन विच कंट्री? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर, वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सजेस्ट वेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिटेल बिजनेस इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी IFSCA हैज सेट अप अ कमिटी हेडेड बाय हु? इंटरनेशनल रिटेल बिजनेस के विकास के लिए IFSCA ने जो कमेटी बनाई है उसके अध्यक्ष कौन है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर, प्रदीप शाह। इंजेति श्रीनिवास इस IFSCA अथॉरिटी के फर्स्ट चेयरमैन हैं। IFSCA एक यूनिफाइड अथॉरिटी है जो सभी फाइनेंशियल सर्विसेज को रेगुलेट करेगी और इसका हेडक्वार्टर होगा गिफ्ट सिटी इन गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिजीज कॉल्ड सीवर फीवर विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम SFTS कॉज्ड बाय अ टिक बॉर्न वायरस हैज री इमर्ज्ड इन विच कंट्री? सीवर फीवर विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी SFTS किस कंट्री में फिर से री इमर्ज हुई है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, चाइना। ये SFTSV बुनिया वायरस फैमिली को बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स रैंक्ड टॉप इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस इन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज सेकंड? निम्न में से किस राज्य ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज सेकंड में प्रथम रैंक हासिल की है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री, हिमाचल प्रदेश, और जम्मू एंड कश्मीर ने इसमें सेकंड रैंक हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉलर बेनेडिक्ट हाउडीज हु हैज डिसाइडेड टू हैंग अप हिज बूट्स एट 32 बिलोंग्स टू विच कंट्री? फुटबॉलर बेनेडिक्ट हाउडीज जिन्होंने कि हाल ही में रिटायरमेंट लेने का फैसला किया है वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? देखिए हैंग अप वंस बूट का मतलब होता है रिटायर होना किसी स्पोर्ट से। द करेक्ट आंसर इज
ऑप्शन थ्री जर्मनी, ये 2014 वर्ल्ड कप विनिंग टीम यानी जर्मनी के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेट टू लॉन्च अ एनसीआर फॉर कोविड-19, एनसीआर स्टैंड्स फॉर व्हाट? देखिए केंद्रीय सरकार कोरोना वायरस के लिए एक एनसीआर लॉन्च करने वाला है, तो हमें बताना है कि एनसीआर का फुल फॉर्म क्या है। द करेक्ट आंसर इज नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रजिस्ट्री इज टू कलेक्ट रियल टाइम क्लिनिकल डेटा विच विल हेल्प इन एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल प्रैक्टिस रिसर्च फॉर्मुलेशन ऑफ गाइडलाइंस एंड पॉलिसी मेकिंग। नेम द इंडियन स्टेट विच अप्रूव्ड 5% रिजर्वेशन इन जुडिशियल सर्विस फॉर मोर बैकवर्ड क्लासेस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन राजस्थान। देखिए मोर बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं गुज्जर्स, राय का रबाड़ी, गड़िया लोहार्स, बंजारा एंड गडरिया। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, गवर्नर है कलराज मिश्रा, सीएम है अशोक गहलोत जो कि कांग्रेस के नेता हैं, और यहाँ की असेंबली सीट्स हैं टोटल 200, लोकसभा की हैं 25 एंड राज्यसभा की हैं 10। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है असेंबली सीट्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेयर अमंग द फॉलोइंग रिटर्न फ्रॉम द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एट नासाज स्पेस एक्स डेमो 2 टेस्ट फ्लाइट? कौन से दो एस्ट्रोनॉट्स नासा के स्पेस एक्स डेमो 2 टेस्ट फ्लाइट को पूर्ण करके IIS से वापस लौटे हैं? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन बॉब बेहकम एंड डग हार्ले। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड द सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल OFC दैट कनेक्ट्स चेन्नई विद विच सिटी और आइलैंड? सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कंट्री को डेडिकेट किया है वह चेन्नई को किस सिटी या आइलैंड से जोड़ेगा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन पोर्ट ब्लेयर। ये सबमरीन केबल पोर्ट ब्लेयर को फर्दर स्वराज द्वीप, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, कमोर्टा, ग्रेटर निकोबार, लॉन्ग आइलैंड, रंगत से भी कनेक्ट करेगा। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में 572 आइलैंड्स हैं जिनमें 37 इनहेबिटेड यानी बसे हुए हैं। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार आइलैंड से अलग करता है। अंडमान एंड निकोबार में 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, फर्स्ट निकोबार डिस्ट्रिक्ट जिसकी राजधानी है कार निकोबार, सेकेंड साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, थर्ड नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान जिसकी राजधानी है मायाबुंदर। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की इकलौती ट्राई सर्विस कमांड अंडमान एंड निकोबार में है। अंडमान आइलैंड्स में सेंटिनल्स लोग रहते हैं, यहाँ के उपराज्यपाल हैं देवेंद्र कुमार जोशी। और एक फैक्ट और आप और याद रखिएगा, नरेंद्र सिंह कपानी इनको कहते हैं फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनोग्रेटेड राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र इन दिल्ली? दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किसने किया? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री नरेंद्र मोदी। देखिए राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र महात्मा गांधी के स्वच्छता मिशन को एक श्रद्धांजलि है। इस केंद्र की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने 10 अप्रैल 2017 को की थी जब चंपारण सत्याग्रह को 100 साल पूरे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड फाइनेंसिंग फैसिलिटी ऑफ व्हाट अमाउंट अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने रुपयों की फाइनेंसिंग फैसिलिटी अंडर एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च की है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन 1 लाख रुपीज। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर हैं नरेंद्र सिंह तोमर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ये लॉन्च हुई थी 1 दिसंबर 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 78th एनिवर्सरी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 8th अगस्त 2020? किस इवेंट की 78वीं सालगिरह 8 अगस्त को मनाई जाती है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 क्विट इंडिया मूवमेंट। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू हुआ था, इसे अगस्त क्रांति मैदान भी कहते हैं। इसी मूवमेंट के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी टुक ओथ एज चेयरमैन ऑफ विच कमीशन? डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी को किस कमीशन का चेयरमैन बनाया गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए उनके बारे में बताया गया है ये छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन और मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं, और इन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है इसके डायरेक्टर भी रह चुके हैं। ये अरविंद सक्सेना जी को सक्सीड करेंगे
और इनका जो कार्यकाल रहेगा वो अप्रैल 4, 2022 तक रहेगा। यूपीएससी के बारे में और जानकारी लेते हैं। ये एक सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है और इसको वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया सर्विसेज की जो रिक्रूटमेंट है वो यूपीएससी ही करता है। ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि इसे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा बनाया गया है, आर्टिकल 315 से 323। यूपीएससी कंपोजिशन, अपॉइंटमेंट, रिमूवल ऑफ मेंबर्स, इस सबको निर्धारित करता है। चेयरमैन और मेंबर यूपीएससी के, या तो उनका टेन्योर 6 साल तक का होता है या फिर जब तक कि वे 65 साल के ना हो जाएं। इन दोनों में से जो भी पहले होगा उसी हिसाब से रिटायरमेंट होता है। चेयरमैन जो होता है यूपीएससी का, वो फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होता है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द चेयरमैन और मेंबर ऑफ यूपीएससी इज नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट टू दैट ऑफिस, दोबारा से इसी पद के लिए भी चयनित नहीं हो सकते। एन इंडिविजुअल मिनिस्टर और डिपार्टमेंट हैज नो पावर टू रिजेक्ट द एडवाइस ऑफ द यूपीएससी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुशीनगर एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कुशीनगर एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, उत्तर प्रदेश। देखिए, इंडिया ने श्रीलंका से कहा है कि अपग्रेडेड कुशीनगर एयरपोर्ट पर फर्स्ट फ्लाइट वही भेजे। यहां पर आप बुद्धिज्म में कनेक्शन देख सकते हैं दोनों कंट्रीज के बीच। कुशीनगर में बुद्ध को परिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। परिनिर्वाण का मतलब होता है रिबर्थ साइकिल की समाप्ति होना, मतलब आप सभी कर्मों और उनके फलों से मुक्ति पा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आरबीआई रेज्ड द लोन टू वैल्यू रेशियो अगेंस्ट गोल्ड फ्रॉम करंट 75% टू व्हाट परसेंट टू मिटिगेट कोविड-19 इम्पैक्ट ऑन हाउस होल्ड्स? आरबीआई ने गोल्ड लोन टू वैल्यू रेशियो 75% से बढ़ाकर कितना किया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, 90%। देखिए, लोन टू वैल्यू रेशियो का मतलब होता है अगर आप 100 रुपये का गोल्ड बैंक में गिरवी रखते हैं तो आपको अब 75 रुपये लोन के बदले 90 रुपये का लोन मिलेगा, यानी 20% का फायदा हो गया है। आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिमान दास और आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। आरबीआई 1935 में सेटअप हुआ था अंडर आरबीआई एक्ट 1934, और आरबीआई को बैंकर्स बैंक भी कहा जाता है और इसको ही कहते हैं मिंट स्ट्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना एंड मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना फॉर स्टेट्स गर्ल एंड वुमेन इज लॉन्च्ड बाय विच इंडियन स्टेट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, हरियाणा। देखिए, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना में फ्री सैनिटरी नैपकिन्स दिए जाएंगे गर्ल्स को और वीमेंस को जो कि बीपीएल फैमिलीज में आते हैं। मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना प्रोवाइड्स फोर्टिफाइड फ्लेवर्ड स्किम्ड मिल्क पाउडर टू वीमेन एंड चिल्ड्रन। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़ और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। चंडीगढ़ को डिजाइन किया है ले कॉर्बुज़िएर ने, ठीक है, और ये स्विस आर्किटेक्ट हैं। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किस कंट्री को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर अ रिपोर्ट बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक ग्लोबल रेमिटेंसेज में लूज हाउ मच अमाउंट इन 2020? एडीबी के अनुसार 2020 में ग्लोबल रेमिटेंस कितनी अमाउंट तक घट सकता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, $108.6 बिलियन। देखिए, एशियन डेवलपमेंट का जो हेडक्वार्टर है वो है मनीला इन फिलीपींस और एशियन डेवलपमेंट इस्टेब्लिश हुआ था 19 दिसंबर 1966 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक पार्टनर्ड विद भारती ए एक्स ए जनरल इंश्योरेंस टू ऑफर स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी? किस बैंक ने स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी प्रोवाइड करने के लिए भारती ए एक्स ए जनरल इंश्योरेंस के साथ समझौता किया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक 2017 में बना था और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विलेजेस ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को फॉर सुनामी रेडीनेस? किस राज्य के दो विलेजेस को यूनेस्को द्वारा सुनामी रेडीनेस के लिए रिकॉग्नाइज्ड किया गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, ओडिशा। इन दो विलेजेस के नाम है वेंकट रायपुर और नोलिया साही। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस इन फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट मोबाइल आरटीपीसीआर कोविड लैब वॉज इनोग्रेटेड इन विच स्टेट? इंडिया की पहली आरटीपीसीआर कोविड लैब किस स्टेट में लॉन्च की गई?
द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 कर्नाटका। इसलिए इस मोबाइल लैब का नाम है मोबाइल इन्फेक्शन टेस्टिंग एंड रिपोर्टिंग लैब MITR, और इसको डेवलप किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलुरु ने। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु और यहाँ के गवर्नर हैं वाजुभाई वाला और CM है BS येदियुरप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज सेट टू डेवलप इंडियाज फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर इन उत्तरकाशी फॉरेस्ट। निम्न में से कौन सा देश इंडिया का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर उत्तरकाशी फॉरेस्ट में बनाएगा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 उत्तराखंड। ठीक है, और उत्तराखंड में स्नो लेपर्ड्स पाए जाते हैं नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में, गंगोत्री नेशनल पार्क में और अस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। स्नो लेपर्ड्स को घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स भी कहा जाता है और ये IUCN रेड लिस्ट की वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं। उत्तराखंड की दो कैपिटल हैं, ग्रीष्म कैपिटल है गैरसैंण और शीत कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड की गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्या और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग क्रिकेटर्स आर अपॉइंटेड एज द ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ विन ट्रेड फैंटेसी स्पोर्ट्स? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 हरमनप्रीत कौर एंड सुरेश रैना। देखिए, फैंटेसी स्पोर्ट्स नॉर्मली इज गेम वेयर पार्टिसिपेंट्स असेंबल इमेजिनरी टीम्स यूजिंग रियल प्लेयर्स ऑफ अ डिफरेंट प्रोफेशनल स्पोर्ट्स टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन परिवार पहचान पत्र PPP दैट इज लॉन्च्ड बाय हरियाणा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 8। देखिए, हरियाणा ने ये परिवार पहचान पत्र लॉन्च किया है और इसमें 8 डिजिट हैं। अब ये आधार से कैसे अलग है? देखिए, आधार में एक व्यक्ति को एक यूनिट माना जाता है, लेकिन जो हरियाणा का परिवार पहचान पत्र है इसमें एक फैमिली को एक यूनिट माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन विच सिटी? द करेक्ट आंसर इज पुणे। देखिए, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की नींव रखी थी साइरस पूनावाला ने 1966 में। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इंटरनेशनल वैक्सीन अलायंस यानी गवी एंड बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर 100 मिलियन डोजेज बनाएगा COVID-19 वैक्सीन की। ओके, और इन्होंने इसके रेट भी निर्धारित किए हैं ₹225 पर डोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियर बाय शेयर फाइल शेयरिंग प्लेटफॉर्म फॉर एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच कंपनी? किस कंपनी ने एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स के नियर बाय शेयर फाइल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज कंडक्टेड द टेस्ट फ्लाइट ऑफ LGM-30G मिनटमैन थर्ड मिसाइल? किस कंट्री ने LGM-30G मिनटमैन थर्ड मिसाइल का परीक्षण किया? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी यूनाइटेड स्टेट्स। देखिए, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स की जो मिनिमम रेंज होती है वो होती है 5500 किलोमीटर, और ये मिसाइल मुख्यतः न्यूक्लियर हथियार डिलीवर करने के लिए यूज होती है। देवसंग प्लेन्स आर लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ विच स्टेट और UT? देवसंग मैदान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 लद्दाख। देवसंग मैदान एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर लोकेटेड है। 1962 में चाइना ने ज्यादातर हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया था, जबकि इंडिया इस मैदान का वेस्ट पोर्शन कंट्रोल करता है। इस मीटिंग का एजेंडा था कि LAC पर टेंशन कम की जाए और इस रीजन में चाइना द्वारा भारतीय ट्रूप्स की पेट्रोलिंग में कोई बाधा न पहुंचाई जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोइंग 737 एयरक्राफ्ट फ्लाइट IX-1134 विच हैज क्रैश्ड एट कैलिकट एयरपोर्ट वॉज रिपेट्रिएटिंग इंडियंस स्ट्रैंडेड बाय कोरोना वायरस क्राइसिस फ्रॉम विच सिटी? बोइंग 737 एयरक्राफ्ट की फ्लाइट IX-1134 जो कि कैलिकट एयरपोर्ट पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, किस सिटी से कोरोना संकट में फंसे भारतीयों को इंडिया ला रही थी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 दुबई। देखिए, इस फ्लाइट के क्रैश होने का मुख्य कारण टेलविंड या हैवी रेन रही, जिसके कारण ये एयरक्राफ्ट रनवे ओवरशूट कर गया, मतलब टारगेट से आगे निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल्स और वर्ल्ड ट्राइबल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 अगस्त 9। इस साल आदिवासी दिवस का थीम है COVID-19 एंड इंडिजीनियस पीपल्स रेजिलियंस।
फ्रेंड्स, 2011 की जनगणना के अनुसार भील ट्राइब की पॉपुलेशन इंडिया में सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लालही छठ और षष्ठी इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। लालही छठ या षष्ठी किस दिन मनाई जाती है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, अगस्त 9। बलराम जयंती को लालही छठ या षष्ठी के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि 1,00,000 करोड़ रुपए का फंड एग्रीकल्चर फैसिलिटीज को बढ़ाने के लिए दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्कम्स हैज लॉन्च्ड अ रिप्लेसमेंट स्कीम फॉर इट्स कंज्यूमर्स टू हैव एनर्जी सेविंग एयर कंडीशनर एंड फैंस फॉर सब्सटेंशियल डिस्काउंट। किस पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने एक रिप्लेसमेंट स्कीम की शुरुआत की है जिसमें कंज्यूमर्स को एनर्जी सेविंग एसी एंड फैंस डिस्काउंट रेट पर रिप्लेसमेंट पॉलिसी के तहत दिए जाएंगे? द करेक्ट आंसर इज BSES। BSES दिल्ली में पावर सप्लाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेफेलर फाउंडेशन हैज सेलेक्टेड नांदी फाउंडेशन एज वन ऑफ द टॉप 10 विजनरीज इन द वर्ल्ड फॉर द फूड विजन 2050 प्राइज। दिस फाउंडेशन इज इन विच सिटी? रॉकफेलर फाउंडेशन ने नांदी फाउंडेशन को फूड विजन 2050 प्राइज के लिए चुना है। यह नांदी फाउंडेशन किस शहर में स्थित है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, हैदराबाद। इस फाउंडेशन ने आंध्र प्रदेश के अराकू रीजन के फार्मर्स के साथ काम किया, उनकी कॉफी प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पॉलिटिकल पार्टी इन श्रीलंका ऑब्टेंड अ मेजोरिटी इन रिसेंटली कंक्लूडेड पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। श्रीलंका में हाल ही में हुए पार्लियामेंट्री चुनावों में किस पार्टी को बहुमत मिला है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, श्रीलंका पीपल्स पार्टी SLPP। ये पार्टी महिंदा राजापक्षे की है जो कि श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट मेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 2021। 2021 का मेंस T20 वर्ल्ड कप किस देश में खेला जाएगा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, इंडिया। ऑस्ट्रेलिया जो कि इस साल T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करने वाला था, वो अब 2022 में इस वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वीक इज ट्रांसफॉर्म्ड इन अ कैंपेन कॉल्ड गंदगी मुक्त भारत बाय द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कौन सा सप्ताह गंदगी मुक्त भारत के रूप में मनाया जा रहा है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, अगस्त 8 से अगस्त 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच चीफ मिनिस्टर हैज बीन रैंक्ड एज द बेस्ट परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर इन इंडिया अकॉर्डिंग टू इंडिया टूडे कार्वी इनसाइट्स मूड ऑफ द नेशन सर्वे। इंडिया टुडे कार्वी इनसाइट्स मूड ऑफ द नेशन सर्वे के अनुसार किस मुख्यमंत्री को बेस्ट परफॉर्मिंग मुख्यमंत्री बताया गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, योगी आदित्यनाथ। और इस सर्वे में दूसरे नंबर पर रहे हैं दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और तीसरे नंबर पर रहे हैं आंध्र प्रदेश के CM YS जगनमोहन रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज डिसाइडेड नॉट टू रिन्यू ऑयल सप्लाई पैक्ट विथ पाकिस्तान आफ्टर द लेटर हैड थ्रेटेंड टू स्प्लिट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। पाकिस्तान द्वारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन छोड़ देने की धमकी के बाद किस देश ने पाकिस्तान के साथ ऑयल सप्लाई पैक्ट रिन्यू न करने का निर्णय लिया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, सऊदी अरेबिया। देखिए, OIC एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका गठन 1969 में हुआ था। इसके 57 मेंबर स्टेट्स हैं। सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद और करेंसी है सऊदी रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल मीडिया जायंट्स लॉन्च्ड अ टिकटॉक राइवल कॉल्ड इंस्टाग्राम रील्स। किस सोशल मीडिया जायंट ने टिकटॉक की राइवल ऐप इंस्टाग्राम रील लॉन्च की? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, फेसबुक। फेसबुक का हेडक्वार्टर है मेनलो पार्क में। यह लोकेशन भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू अ न्यू फोरकास्ट बाय इंटरनेशनल डेटा कॉरपोरेशन IDC, वर्ल्ड वाइड रेवेन्यूज फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट आर एक्सपेक्टेड टू रीच व्हाट अमाउंट इन द ईयर 2020। इंटरनेशनल डेटा कॉरपोरेशन के अनुसार 2020 के अंत तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट से आने वाला रेवेन्यू कितना हो जाएगा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, $156.5 बिलियन।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर इस तरह की मशीनों या डिवाइस का निर्माण करना होता है जो ह्यूमन लाइक काम करें और ह्यूमन लाइक ही सोचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड एन इनोवेशन हब फॉर फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया? फाइनेंशियल सेक्टर के लिए इनोवेशन हब किसने लॉन्च किया? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। RBI ने 10,000 करोड़ भी दिए हैं नेशनल हाउसिंग बैंक को और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड को, ये अमाउंट भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बैंड टिकटॉक एंड वीचैट? निम्न में से किस कंट्री ने टिकटॉक और वीचैट को बैन करने का निर्णय लिया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, यूनाइटेड स्टेट्स। देखिए, टिकटॉक का ओनर कौन है? ByteDance। और वीचैट का ओनर कौन है? Tencent। दोनों ही चाइनीज कंपनीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडिंग ऑफ कॉलोनियल एरा खालसी सिस्टम और बंगलो पियोन्स इज अनाउंस्ड बाय? खलासी या आवासी चपरासी के पद खत्म करने का निर्णय किसने लिया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, इंडियन रेलवेज। खलासी का काम अंग्रेजों के शासन के काल में रेलवे के अधिकारियों के आवासों में तैनात चपरासियों की तरह होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन रेलवे जोन ऑपरेटेड टू फ्रेट ट्रेन्स नेम्ड एज सुपर एनाकोंडा एंड शेषनाग? किस रेलवे जोन द्वारा सुपर एनाकोंडा एंड शेषनाग फ्रेट ट्रेन चलाई गई? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवेज। देखिए, शेषनाग की लेंथ है 2.8 किलोमीटर और सुपर एनाकोंडा की लेंथ है 2.1 किलोमीटर और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है बिलासपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर एक मिस्टेक है, ये नागपुर नहीं, ये छत्तीसगढ़ होगा, बिलासपुर इन छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज बैंड इंपोर्ट ऑफ हाउ मैनी डिफेंस आइटम्स टू बूस्ट सेल्फ रिलायंस? आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत ने कितने रक्षा उत्पादों के आयात पर रोक लगा दी है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, 101। देखिए, ये प्रश्न भी यहां से पूछा जा सकता है कि आत्मनिर्भर भारत कितने पिलर्स पर आधारित है, तो ये 5 पिलर्स पर आधारित है, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी एंड डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड वर्चुअल ऑफिस नेटवर्क टू स्पीयरहेड ट्राइबल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट? ट्राइबल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के किस संस्था द्वारा वर्चुअल ऑफिस नेटवर्क लॉन्च किया गया? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, ट्राइफेड। देखिए, ट्राइफेड का लक्ष्य है ट्राइबल लोगों द्वारा जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उन प्रोडक्ट्स के उचित दाम प्रोवाइड कराना। वंदन योजना को भी इम्प्लीमेंट करने की नोडल एजेंसी ट्राइफेड ही है। लोया जिरगा और ग्रैंड काउंसिल इज एन अनऑफिशियल डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ विच कंट्री? लोया जिरगा या ग्रैंड काउंसिल किस देश की अनौपचारिक निर्णय निर्धारण संस्था है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में लोया जिरगा की 3 दिवसीय एक बैठक चल रही है जिसमें 400 तालिबानी फाइटर्स को फ्री किए जाने पर निर्णय लिया जाएगा। यह फैसला तालिबान के साथ शांति वार्ता आगे बढ़ाने का एक प्रयास है। लोया जिरगा में विभिन्न मजहब ट्राइबल कम्युनिटीज के लोग भाग लेते हैं। ये असेंबली खासकर तब बैठती है जब निर्णय देश से जुड़ा हो, जैसे कोई संकट या संविधान में कुछ बदलाव, युद्ध छेड़ना या राजनीतिक बदलाव। ये ऑफिशियल डिसीजन मेकिंग बॉडी नहीं है, हालांकि यहाँ के राष्ट्रपति और संसद इस असेंबली के निर्णय को अमूमन स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जिनोवा सैन जॉर्जिया ब्रिज हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच कंट्री? जिनोवा सैन जॉर्जियो ब्रिज किस देश में उद्घाटन किया गया? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, इटली। देखिए, जिनोवा पोर्ट इटली में लोकेटेड है। ये क्वेश्चन पूछा गया था उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2018 को अपने ARO एग्जाम में, तो इस तरह की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। इटली की कैपिटल है रोम, यहाँ की करेंसी है यूरो और फेमस सिटीज हैं फ्लोरेंस, वेनिस जिसे की सिटी ऑफ कैनाल्स कहते हैं एंड मिलान। अब आप मैप में देखिए, इटली के साथ कौन कौन सी कंट्रीज लैंड बॉर्डर साझा करते हैं? फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया एंड स्लोवेनिया। देखिए, एक टर्म होती है इनक्लेव टेरिटरी, यानी
किसी इंडिपेंडेंट स्टेट की सीमाएं किसी दूसरे देश से चारों ओर से घिरी होती हैं, मतलब स्टेट विद इन अनदर स्टेट। जैसे आप फर्स्ट मैप में देखिए, सैन मेरिनो जो कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, कंप्लीटली इटली के अंदर लोकेटेड है। उससे नीचे आप देखिए, वेटिकन सिटी भी कंप्लीटली इटली के अंदर है, जबकि यह एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। अब आप राइट साइड में देखिए, ऐसे ही लेसोथो है जो कि साउथ अफ्रीका के अंदर है। यहां से अगर आप यूपीएससी या किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चार में से कौन सा एक देश इनक्लेव टेरिटरी नहीं है। वेटिकन सिटी वर्ल्ड का एरिया वाइज एंड पॉपुलेशन वाइज सबसे छोटा सोवरेन स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन रेलवेज डिवीजन हैज क्रिएटेड अ म्यूजियम थीम्ड ऑन मालगुडी डेज एट वन ऑफ इट्स स्टेशन। निम्न में से रेलवे की किस डिवीजन ने मालगुडी डेज पर आधारित एक म्यूजियम बनाया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू, साउथ वेस्टर्न रेलवेज। अरासुला स्टेशन जो कि जर्जर अवस्था में था, इसी को म्यूजियम का रूप दिया गया है। मालगुडी डेज 1986 में एक टीवी सीरीज प्रसारित हुआ करती थी जो कि काफी पॉपुलर भी रही है। ये आर के नारायण जी द्वारा लिखी गई एक शॉर्ट स्टोरी पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग F1 रेस ड्राइवर्स वॉन 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स एट सिल्वरस्टोन। निम्न में से किस F1 रेस ड्राइवर ने 17th एनिवर्सरी ऑफ सिल्वरस्टोन ग्रैंड प्रिक्स जीता? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू, मैक्स वर्स्टैपेन। देखिए, ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि सिल्वरस्टोन सर्किट जो कि मोटर रेसिंग से संबंधित है किस कंट्री में है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इंग्लैंड में है। आप नीचे ये तीन काफी फेमस ड्राइवर्स हैं, इनकी कंट्री और इनकी टीम पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC इज सेट टू ओपन द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर ऑफ सिल्क इन विच स्टेट। खादी और ग्रामोद्योग आयोग किस राज्य में सिल्क का ट्रेनिंग एंड प्रोडक्शन सेंटर खोलेगी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर, अरुणाचल प्रदेश। और एक फैक्ट आप और याद रखना, जनवरी 2020 में KVIC ने देश का पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट गुजरात में खोला था। इसका उद्देश्य था पटोला साड़ी का प्रोडक्शन करना। KVIC को 1957 में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंडर आता है। इंडिया चाइना के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है। इंडिया में हाईएस्ट सिल्क प्रोडक्शन कर्नाटक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ न्यूक्लियर बॉम्ब फैट मैन वॉज ड्रॉप्ड ऑन नागासाकी बाय द USA ऑन विच डे। फैट मैन नाम का परमाणु बम नागासाकी पर किस दिन गिराया गया था? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर, August 9, 1945। USA ने 1945 को दो परमाणु बम जापान पर गिराए थे। पहला लिटिल बॉय जो कि 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया था, दूसरा फैट मैन जो कि 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया था। अगस्त 2020 में इनकी 75th एनिवर्सरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेशराम मानिटोम्बी सिंह हु डाइड रिसेंटली वॉज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। The correct answer is option 2, football. Next question, which state government has evolved a 10-year action plan to convert all government vehicles into electric vehicles? किस स्टेट गवर्नमेंट ने 10-year action plan तैयार किया है जिसमें सभी गवर्नमेंट व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बदला जाएगा? The correct answer is option 2, तेलंगाना। देखिए, तेलंगाना बना था 2 जून 2014 को। इसकी कैपिटल है हैदराबाद और यहाँ के सीएम है के चंद्रशेखर राव और यहाँ की गवर्नर है तमिलिसई सुंदर राजन। केसी राव की पार्टी का नाम है तेलंगाना राष्ट्र समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली हाई कोर्ट अलाउड टू कंडक्ट ऑनलाइन ओपन बुक एग्जाम्स फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स ऑफ विच यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा किस यूनिवर्सिटी को ओपन बुक एग्जाम कराने की अनुमति दी गई है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ओपन बुक एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स अपने क्लास नोट्स या टेस्ट बुक का भी यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर यूनिवर्सिटी के पोर्टल से डाउनलोड किया जाता है।
क्वेश्चंस एनालिटिकल एंड क्रिटिकल होते हैं, जिन्हें करने के लिए हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल चाहिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च द आत्मनिर्भर भारत सप्ताह, निम्न में से किसने आत्मनिर्भर भारत सप्ताह का उद्घाटन किया? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, राजनाथ सिंह। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आत्मनिर्भर भारत में यह है कि ये पांच पिलर्स पर आधारित है, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी एंड डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ फर्स्ट रिसर्चर्स इन विच कंट्री हैज डायग्नोस्ड अ डायनासोर विद एन एग्रेसिव टाइप ऑफ बोन कैंसर, किस देश के रिसर्चर्स ने एक डायनासोर में बोन कैंसर होने की पुष्टि की है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, कनाडा। इसकी डिटेल आप नीचे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलाश चौधरी हु वाज टेस्टेड कोरोना पॉजिटिव होल्ड्स विच पोर्टफोलियो इन एनडीए गवर्नमेंट, कैलाश चौधरी जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं किस मंत्रालय के पदभारी हैं? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर। देखिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस में अंतर समझते हैं। यदि कोई मंत्री मिनिस्टर ऑफ स्टेट है तो उसके ऊपर एक कैबिनेट मिनिस्टर होता है जिसे वह रिपोर्ट करता है, लेकिन मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज में ऐसा कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होता, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज खुद रिस्पॉन्सिबल होता है उस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए। आवश्यकता पड़ने पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज कैबिनेट मीटिंग में भी भाग ले सकता है, जबकि मिनिस्टर ऑफ स्टेट कैबिनेट मीटिंग्स में भाग नहीं ले सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग यूनिकॉर्न्स हैज अनाउंस्ड दैट ऑल इट्स वीमन इंक्लूडिंग ट्रांसजेंडर पीपल एम्प्लॉइज कैन अवेल अप टू 10 डेज ऑफ पीरियड लीव्स इन अ ईयर, निम्न में से किस यूनिकॉर्न कंपनी ने घोषणा की है कि सभी वीमेन इंक्लूडिंग ट्रांसजेंडर पीपल्स को 10 डेज पीरियड लीव्स प्रोवाइड कराई जाएंगी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, जोमैटो। जोमैटो एक फूड डिलीवरी स्टार्टअप है जिसे 2008 में दीपेंद्र गोयल एंड पंकज चड्डा ने शुरू किया था और इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम इन हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज रिसेंटली ज्वाइंट क्लाउड बेस्ड क्वालिटी मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म कंप्लायंस क्वेस्ट, निम्न में से किस कंपनी ने हाल ही में क्लाउड बेस्ड क्वालिटी मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म कंप्लायंस क्वेस्ट का ज्वाइन किया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, विप्रो। विप्रो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इसके ओनर हैं अजीम प्रेम जी और इसके फाउंडर रहे हैं एमएच हसन प्रेम जी, जिन्होंने 1945 में इसकी नींव रखी थी एज वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइंड ऑयल लिमिटेड, हालांकि अभी इसको केवल एब्रिविएटेड रूप में ही यूज करते हैं विप्रो। इसके सीईओ हैं थियरी डेला पोर्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट सेंटर ग्लोबली? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए तो भारत किस नंबर पर है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री, थर्ड। ये यहां पर आप ध्यान रखना, सही आंसर थर्ड है। यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूके के बाद इंडिया थर्ड नंबर पर है। 2019 में फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट डबल हुआ है, यानी $1.9 बिलियन से $3.7 बिलियन। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी का यूज इस तरह से करें ताकि फाइनेंशियल सर्विसेज और एफिशिएंट बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदिया देहलवी हु डाइड रिसेंटली वॉज एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन, सदिया देहलवी जिनका हाल ही में देहांत हुआ किस प्रोफेशन से जुड़ी हुई थी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री, राइटर। इनके आप बुक्स नीचे नाम देख सकते हैं, इनके क्या क्या फेमस वर्क रहे हैं। ये कॉलमिस्ट थी हिंदुस्तान टाइम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई कॉन्स्टिट्यूटेड एन एक्सपर्ट कमिटी ऑन डेट रिजोल्यूशन दैट विल बी हेडेड बाय विच पर्सन, आरबीआई द्वारा बनाई गई डेट रिजोल्यूशन कमिटी के हेड कौन है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू,
केवी कामत, ये फॉर्मर हेड रह चुके हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के, ओके, और ये फोर मेंबर कमेटी बनाई गई है। अदर मेंबर्स हैं दिवाकर गुप्ता, टीएन मनोहरन, अश्विन पारेख। यहां से ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि इस कमेटी में टोटल कितने मेंबर्स हैं। इंडिया टू पार्टिसिपेट इन कोवच 2020 स्ट्रेटेजिक कमांड पोस्ट एक्सरसाइज दैट विल बी हेल्ड इन विच कंट्री। कवच 2020 स्ट्रेटेजिक कमांड पोस्ट एक्सरसाइज जिसमें भारत हिस्सा लेगा, कौन सा देश होस्ट करेगा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू, रशिया। ये एक्सरसाइज 15 से 26 दिसंबर के बीच होगी, इसमें 18 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी। द कोस्ट ऑफ विच कंट्री इज विटनेसिंग एन ऑयल स्पिल फ्रॉम अ जापानीज वेसल MV वाकाशी। किस देश के तट पर जापान के वेसल से तेल रिसाव की घटना सामने आई है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू, मॉरिशियस। मॉरिशस ने इस तेल रिसाव के कारण एनवायरमेंटल इमरजेंसी घोषित की है। ये एक जापानीज वेसल है जिसका नाम है MV वाकाशी। फ्रांस ने इस तेल रिसाव को रोकने के लिए एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी भेजा है, क्योंकि रीयूनियन आइलैंड मॉरिशस के पास ही लोकेटेड है और ये रीयूनियन आइलैंड फ्रांस के ही एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। ये लोकेशन आप याद रखना, और मॉरिशस इंडियन ओशियन में लोकेटेड है, और मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है? अरविंद जुगनाथ। मॉरिशस ईस्ट अफ्रीका में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अनाउंस्ड इंट्रोडक्शन ऑफ अ फुल सेमेस्टर कोर्स अंडर द इंटरडिसिप्लिनरी स्ट्रीम ऑन बायोमिमिक्री। किस IIT ने बायोमिमिक्री क्षेत्र में फुल सेमेस्टर कोर्स लॉन्च किया? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू, IIT मद्रास। बायोमिमिक्री का मतलब है ब्लेंडिंग ऑफ बायोलॉजी विद इंजीनियरिंग। ये नेचर द्वारा इंस्पायर्ड इनोवेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, जापान की बुलेट ट्रेन नेटवर्क का नाम शिनकानसेन है और ये वर्ल्ड में फास्टेस्ट मानी जाती है, लेकिन जब ये टनल से बाहर आती थी तो काफ़ी तेज आवाज करती थी। इस ट्रेन के जो चीफ इंजीनियर थे वो पक्षियों को देखने के शौकीन थे। उन्होंने खुद से पूछा कि क्या इस नेचर में कोई ऐसा भी है जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में बिना आवाज के स्मूथली निकल जाए। तब उन्हें किंग फिशर बर्ड का ध्यान आया, जो एयर से वाटर में फिश कैच करने के लिए डाइव करती है, वो भी बिना आवाज किए। तब ट्रेन इंजीनियर ने किंग फिशर बर्ड की बीक या चोंच जैसी शेप बुलेट ट्रेन के फ्रंट पार्ट को दी, जिससे यह समस्या सोल्व हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच IIT हैज डेवलप्ड इंडिजीनियस सीड बोल्स नेम्ड BEEG बायो कंपोस्ट इनरिच्ड इको फ्रेंडली ग्लोब्यूल। किस IIT ने इंडिजीनियस सीड बोल्स डेवलप की हैं? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री, IIT कानपुर। सीड बोल्स सीड, कंपोस्ट एंड क्ले से मिलकर बनी होती हैं। अगर कोई प्लांट आप लगाना चाहते हैं तो गड्ढा खोदने की जरूरत नहीं है। जब इन सीड बोल्स को उस जगह पर फेंक देते हैं तो इनमें से कुछ टाइम बाद पौधे निकलने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलेक्जेंडर लुकाशेंको किस देश के प्रेसिडेंट हैं? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर, बेलारूस। देखिए, इस बार के इलेक्शंस में भी यही जीते हैं, और अलेक्जेंडर लुकाशेंको 1994 से बेलारूस के प्रेसिडेंट रहे हैं, तो ओपोजिशन चाहती है कि वोट्स फिर से गिने जाएं, इसलिए यहां पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बेलारूस का बॉर्डर किन कंट्रीज से शेयर होता है? देखिए, बेलारूस का बॉर्डर पोलैंड, यूक्रेन, लिथुआनिया एंड लेतुया एंड रशिया से मिलता है। एक बात और याद रखना, लेतुया लुथानिया में अगर एस्टोनिया कंट्री भी मिला दी जाए तो इन्हें बेल्टिक कंट्रीज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया सेकंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी टू बी सेट इन विच स्टेट। भारत का दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी किस स्टेट में स्थापित किया जाएगा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर, पंजाब। देखिए, वर्तमान में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी केवल पुणे में है। वायरोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ वायरसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनाबुंग वोल्केनो दैट इरप्टेड रिसेंटली लाइज इन विच कंट्री। सिनाबुंग ज्वालामुखी किस देश में है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर, इंडोनेशिया। सिनाबुंग ज्वालामुखी नॉर्थ सुमात्रा इंडोनेशिया में लोकेटेड है। पैसिफिक ओशियन के अलोंग एक ऐसा एरिया है जहां पर ज्वालामुखी एक्टिव रहते हैं और भूकंप आते रहते हैं। इस एरिया को कहते हैं रिंग ऑफ फायर। दुनिया के 75% ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर में इरप्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यूनियन मिनिस्ट्री फॉर जल शक्ति श्री गजेंद्र सिंह शेखावत लॉन्च्ड द स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी बाय डायलिंग द डिजिग्नेटेड IVR टोल फ्री नंबर. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IVR? जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने IVR टोल फ्री नंबर का प्रयोग करके स्वच्छता भारत मिशन एकेडमी लॉन्च की. हमें IVR की फुल फॉर्म इसमें बतानी है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स. देखिए ये IVR क्या होता है. मान लो हम जब किसी कंपनी को फोन लगाते हैं तब हमें वहां से रिस्पॉन्स मिलता है कि सेल्स डिपार्टमेंट के लिए 1 दबाएं, सपोर्ट के लिए 2 दबाएं, बिलिंग के लिए 3 दबाएं. तो ये जो कॉल डाइवर्ट होती है इसे IVR ही बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्पुतनिक वी? इसमें पूछा गया है कि स्पुतनिक वी क्या है. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, वैक्सीन. देखिए रशिया ने वर्ल्ड की पहली कोरोना वैक्सीन लॉन्च की है जिसका नाम है स्पुतनिक वी. विच पार्टी हैज लॉन्च्ड रोजगार दो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट कैंपेन? किस पार्टी ने रोजगार दो कैंपेन की शुरुआत की है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, इंडियन नेशनल कांग्रेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रिलीज्ड अ बुक क्रॉनिकलिंग 3 ईयर्स ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू इन ऑफिस टाइटल्ड कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग? उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी के 3 साल के कार्यकाल पर किसने कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग बुक को लॉन्च किया? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, राजनाथ सिंह. देखिए वाइस प्रेसिडेंट सेकंड हाईएस्ट ऑफिसर होते हैं कंट्री में, ठीक है, और इनका कार्यकाल होता है 5 साल के लिए. और अगर आप वाइस प्रेसिडेंट को हटाना चाहते हैं तो कोई फॉर्मल इम्पीचमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, जस्ट राज्यसभा में एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है और उपराष्ट्रपति री इलेक्शन के लिए एलिजिबल होते हैं. ये कितने भी नंबर के लिए कितने भी नंबर ऑफ टर्म्स ले सकते हैं. ये आर्टिकल्स आप देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे आर्टिकल 63, ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, ठीक है, और इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट किस आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल 66. अब देखते हैं इंडिया और अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट में क्या अंतर है. देखिए अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं अगर प्रेसिडेंट का पद खाली हो जाए, और उस पद तक तब तक बने रहते हैं जब तक कि वो राष्ट्रपति पद का जो ड्यूरेशन है वो एंड ना हो जाए. लेकिन जो इंडिया के उपराष्ट्रपति हैं उनमें ऐसा केस नहीं है. अगर प्रेसिडेंट का पद खाली है तो भारत के उपराष्ट्रपति केवल उस टाइम तक के लिए ही प्रेसिडेंट का कार्यभार संभालते हैं जब तक कि दोबारा से राष्ट्रपति अपॉइंट ना हो जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, 12 अगस्त. और इस साल का थीम है यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेनामेकर ट्रॉफी PGA चैंपियनशिप इज रिलेटेड टू विच गेम? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, गोल्फ. देखिए कोलिन मोरिकावा, इन्होंने ये गोल्फ की चैंपियनशिप जीती है. गोल्फ में 4 प्रोफेशनल चैंपियनशिप्स होती हैं. फर्स्ट मास्टर्स टूर्नामेंट, सेकंड US ओपन, थर्ड द ओपन चैंपियनशिप एंड 4 PGA चैंपियनशिप. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रांस शिपमेंट पोर्ट एट ग्रेट निकोबार विल बी डेवलप्ड एट एन एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ व्हाट अमाउंट? ग्रेट निकोबार पर बनाए जाने वाले ट्रांस शिपमेंट पोर्ट की कुल लागत कितनी होगी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, 10,000 करोड़. अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फर्स्ट अंडरसी ऑप्टिकल फाइबर यहां पर इनोग्रेट किया जो कि चेन्नई को अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से कनेक्ट करता है. इसकी टोटल लेंथ है 2312 किलोमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हसन दयाब हु हैज अनाउंस्ड हिज गवर्नमेंट्स रेजिग्नेशन वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? The करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, लेबनान. आपको अभी मालूम होगा कि लेबनान की राजधानी बेरूत में एक
धमाका हुआ था और इसी के चलते यहाँ की सरकार ने रिज़ाइन कर दिया है। इस पूरे केस की अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट से वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेंट्रल मिनिस्टर वर्चुअली लॉन्च्ड द कृषि मेघ नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज। किस केंद्रीय मंत्री ने कृषि मेघ, जो कि एक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज है, लॉन्च किया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर, नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम आर बींग डेवलप्ड बाई द ट्राइबल मिनिस्ट्री टू कॉमेमोरेट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द ट्राइबल पीपल इन इंडिया टू द फ्रीडम स्ट्रगल? कितने ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम इस कंट्री में बनाए जाएंगे? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री, नाइन। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स कौन है? अर्जुन मुंडा। ये ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम्स जो हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी 15 अगस्त 2016 की स्पीच में इन्हें बनाने के लिए कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड एलिफेंट डे फॉल्स ऑन विच डे? वर्ल्ड एलिफेंट डे किस दिन मनाया जाता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री, अगस्त 12। देखिए, इंडिया में 60% एशियन एलिफेंट्स हैं, मतलब वर्ल्ड के जितने, वर्ल्ड के 60% एशियन एलिफेंट्स इंडिया में हैं। अफ्रीकन एलिफेंट्स वल्नरेबल हैं, जबकि एशियन एलिफेंट्स इंडेंजर्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेम्स कमला हैरिस हु डाइड रिसेंटली वॉज एसोसिएटेड विथ विच प्रोफेशनल स्पोर्ट? जेम्स कमला हैरिस इन निम्न में से किस प्रोफेशनल स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, रेसलिंग। ये US बेस्ड रेसलर रहे हैं और इनका निक नाम है द युगेंडन जॉइंट। साधना पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी? साधना पास किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री, जम्मू एंड कश्मीर। हाल ही में जम्मू कश्मीर के साधना पास में असम राइफल्स की राइफल वीमेन को तैनात किया गया है। यह पास LOC के काफी निकट है। असम राइफल्स इंडिया की ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है, जिसका गठन 1835 में हुआ था। इसका मुख्यालय शिलोंग मेघालय में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री शेयर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी हाई एंड इक्विपमेंट विद एम्स टू हेल्प कॉम्बैट COVID-19? किस देश ने कोरोना से निपटने के लिए AI बेस्ड टेक्नोलॉजी और हाई एंड इक्विपमेंट एम्स के साथ शेयर किए? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, इसराइल। डॉक्टर रॉन मलका इंडिया में इसराइल के अम्बेसडर हैं। इसराइल एक मिडिल ईस्ट कंट्री है, जेरूसलम इसकी कैपिटल है और शेकेल इसकी करेंसी। ये जितने भी मैन्यूमेंट्स आप देख रहे हैं, ये सभी जेरूसलम में लोकेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR हैज सेट अप अ सेंटर इक्विप्ड विद डीप लर्निंग सॉफ्टवेयर एंड क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन विच सिटी? ICAR ने किस शहर में डीप लर्निंग सॉफ्टवेयर और क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर सेटअप किया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर, हैदराबाद। इस सेंटर का नाम भी कृषि मेघ है। ऐसा ही सेंटर दिल्ली में भी सेटअप किया गया है, जो हमने लास्ट सेशन में देखा था। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के प्रेसिडेंट होते हैं, जो देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। फर्स्ट स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो इंडिया में स्थापित हुई थी, वो पंतनगर में हुई थी 1960 में। ICAR इज द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड दैट अ मिनिमम सम ऑफ ₹830 पर मंथ वुड बी डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट ऑफ अ वुमेन मेंबर ऑफ अ पुअर फैमिली अंडर इट्स अरुणोदयी स्कीम? किस राज्य सरकार ने अरुणोदयी स्कीम के तहत पुअर फैमिली की वुमेन मेंबर को ₹830 पर मंथ देने की घोषणा की है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, आसाम। आसाम की कैपिटल है दिसपुर और यहाँ के CM है सर्वंदा सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी। असम एशिया का पहला स्टेट है जहाँ पर ऑयल ड्रिलिंग की गई थी। यहाँ के कुछ फेमस प्लेसेस देख लेते हैं। कामाख्या टेम्पल जो कि नीलाचल हिल पर है, उमानंदा टेम्पल और हाजो एंड मदन कामदेव। असम इज होम टू द वन हॉर्न इंडियन राइनोसोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जी के मेनन हु डाइड रिसेंटली वॉज एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन। जी के मेनन जिनका हाल ही में देहांत हुआ वो किस प्रोफेशन से जुड़े हुए थे। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज इन टू द वर्ल्ड्स टॉप 100 कंपनीज ऑन द फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज की कितनी रैंक है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू, 96। वॉलमार्ट जो कि अमेरिकन रिटेल कंपनी है उसने इस लिस्ट को टॉप किया है। 7 इंडियन कंपनीज इस 500 लिस्ट में है। हु अमंग द फॉलोइंग चेयर्स डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DAC। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, डिफेंस मिनिस्टर। राजनाथ सिंह ने हाल ही में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की अध्यक्षता की जिसमें उन्होंने 8,722 करोड़ के प्रपोजल्स को स्वीकृति दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग लॉन्च्ड द प्लेटफॉर्म फॉर ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पुलिस पर्सनल वर अवार्डेड द यूनियन होम मिनिस्टर्स मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन फॉर द ईयर 2020। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, 121। ये अवार्ड बनाया गया था 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग मिनिस्टर्स अनवील्ड माइक्रोवेव डिवाइस अतुल्य टू डिसइंटीग्रेट नोवेल कोरोना वायरस। कोरोना वायरस को डिसइंटीग्रेट करने की माइक्रोवेव डिवाइस अतुल्य को किसने लॉन्च किया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, नितिन गडकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक एक्सटेंडेड $250 million लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर इम्प्रूविंग पावर सप्लाई टू मोजाम्बिक। किस बैंक ने मोजाम्बिक को पावर सप्लाई इम्प्रूव करने के लिए $250 million की लाइन ऑफ क्रेडिट अवेलेबल की है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, एक्जिम बैंक। एक्जिम बैंक 1982 में सेटअप किया गया था और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑथर्ड द बुक अमेजिंग अयोध्या। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, नीना राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, LIC acquired what percent shareholding in Yes Bank by purchasing shares from the open market? LIC ने कितने परसेंट शेयर होल्डिंग Yes Bank में ली है? The correct answer is option 1, 4.98%. LIC 1 सितंबर 1956 को सेटअप की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और पूरे देश में LIC के 8 जोनल ऑफिसेज हैं। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, कानपुर, कोलकाता, भोपाल एंड पटना। LIC का स्लोगन है योगक्षमम वहामयम। इसे भगवद गीता से लिया गया है जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच IIT कोलेबोरेटेड विद इंपीरियल कॉलेज लंदन टू डेवलप नैनो पार्टिकल मेटाग्रिड फॉर बूस्टिंग LED परफॉर्मेंस। किस IIT ने LED परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के साथ नैनो पार्टिकल मेटाग्रिड बनाने के लिए कोलेबोरेट किया है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, IIT गुवाहाटी। मेटाग्रिड नैनो पार्टिकल से बनी एक ग्रिड होती है जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एयरपोर्ट लॉन्च्ड एयर सुविधा अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फैसिलिटी मेकिंग इंटरनेशनल अराइवल अ हैसल फ्री एक्सपीरियंस फॉर इनबाउंड ट्रेवलर्स अमिड द COVID-19 पेंडेमिक। किस एयरपोर्ट ने एयर सुविधा नाम की फैसिलिटी लॉन्च की है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, दिल्ली। विच ई कॉमर्स मार्केट प्लेस हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम ऑफ द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू ब्रिंग आर्टिशंस वीवर्स एंड क्राफ्ट्समैन इन टू मेन स्ट्रीम बिजनेस। किस ई कॉमर्स कंपनी ने आर्टिशंस वीवर्स क्राफ्टमैन को मुख्य धारा बिजनेस में लाने के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के साथ MOU साइन किया है। द करेक्ट आंसर इज
ऑप्शन टू फ्लिपकार्ट, और फ्लिपकार्ट के इस इनिशिएटिव का नाम है फ्लिपकार्ट समर्थ। कल्याण कृष्णमूर्ति फ्लिपकार्ट के CEO हैं। फ्लिपकार्ट किन किन कंपनीज को ऑन करती है? फोनपे, मिंत्रा, जेमोंग एंड ई कार्ट, और फ्लिपकार्ट की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वॉलमार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट सिटी टू हैव फीमेल आइकन्स ऑन ट्रैफिक सिग्नल। किस शहर में ट्रैफिक सिग्नल्स पर फीमेल आइकन को प्रदर्शित किया गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन मुंबई। ये मुंबई के दादरा में किया गया है। जगदलपुर भारत का पहला नगर निगम बन गया है जो शहरी निवासियों को वन अधिकार पत्रक देगा। यह किस राज्य में है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के CM है भूपेश बघेल और यहाँ की गवर्नर है अनुसुईया उइके एंड छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। मैप में देखिए छत्तीसगढ़ किन किन राज्यों से लैंड बॉर्डर शेयर करता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा। एक बात आप और याद रखना, चित्रकूट वाटरफॉल्स को भारत का नायग्रा वाटरफॉल कहते हैं। नायग्रा वाटरफॉल US एंड कनाडा के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है। digisakshar.org अ पोर्टल टू हेल्प मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज बिकम डिजिटल लिटरेट एंड सेल्फ रिलायंट इज लॉन्च्ड बाय विच फाउंडेशन। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को डिजिटल शिक्षा और आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस फाउंडेशन द्वारा digisakshar.org पोर्टल लॉन्च किया गया? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन वोडाफोन इंडिया फाउंडेशन। ये पोर्टल वोडाफोन इंडिया फाउंडेशन ने CGI एंड नास्कॉम फाउंडेशन के साथ मिलकर बनाया है। यह एक फ्री पोर्टल है जिसमें 40 कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अद्दू अटोल ऑल्सो नोन एज शीनू अटोल लाइज इन विच आईलैंड नेशन। अद्दू अटोल या शीनू अटोल किस आईलैंड नेशन में स्थित है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू मालदीव्स। ये अटोल हाल ही में न्यूज में रहे क्योंकि इंडिया एंड मालदीव्स ने इस अटोल पर 5 इको टूरिज्म जोन्स बनाने के लिए पैक्ट साइन किया है। मालदीव्स की कैपिटल माले है जिसे किंग्स आइलैंड भी कहते हैं। दिवे ही यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। मालदीव की करेंसी रुपया है। इब्राहिम मोहम्मद सोलिह यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगर लैंड एरिया और पॉपुलेशन की बात करें तो मालदीव एशिया का सबसे छोटा देश है और ये मालदीव का फ्लैग आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड इट्स इनोवेशन कॉन्टेस्ट डेयर टू ड्रीम 2.0 अ स्कीम टू प्रमोट द इंडियन इनोवेटर्स एंड स्टार्टअप्स फॉर इनोवेशंस इन डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज। डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डेयर टू ड्रीम 2.0 कॉन्टेस्ट लॉन्च किया गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन DRDO। ये कॉन्टेस्ट पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी की 5th डेथ एनिवर्सरी पर लॉन्च किया गया है। आत्मनिर्भर भारत के तहत हम लोग खुद की इनोवेशन पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, उसी से जुड़ा ये कॉन्टेस्ट है। 5 लाख से 10 लाख तक प्राइजेस इसमें दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोला फॉरेस्ट रीजन आर फाउंड इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट। शोला फॉरेस्ट रीजन किस राज्य में पाए जाते हैं? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन केरला एंड तमिलनाडु। आपको मालूम ही होगा कि केरला के इदुकी डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे गांव पेतीमुड़ी में लैंडस्लाइड की घटना हुई है। इसमें अब तक 54 लोगों की मृत्यु हो गई है। इस लैंडस्लाइड का मुख्य कारण शोला फॉरेस्ट रीजन है। यहाँ की सोयल में सैंड की मात्रा ज्यादा है जो कि पानी को एब्जॉर्ब ज्यादा करती है और ढीली पड़ जाने के कारण खिसक जाती है। शोला एवरग्रीन फॉरेस्ट है और ओवरहेड वाटर टैंक की तरह इन्हें देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोर्ड्स हैज नॉट बीन डिसबैंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। निम्न में से किस बोर्ड को केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में भंग नहीं किया गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री कॉटन एंड जूट एडवाइजरी बोर्ड्स। इंडिया पावरलूम बोर्ड
ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड और ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड, इन तीनों को ही केंद्र सरकार ने भंग कर दिया है। अब ये एफिलिएटेड बॉडीज ना होकर अप्रूव्ड बॉडीज हैं, यानी अब इन्हें रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज करने के लिए पहले अप्रूवल लेना होगा। दरअसल इन बॉडीज में मिडलमैन ज़्यादा सक्रिय हो गए थे, सोर्स लगाकर काम होते थे, इसलिए इन्हें रिस्ट्रक्चर किया गया है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया की जीडीपी में 2.3% कंट्रीब्यूट करती है और ये इंडस्ट्री सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टैलेंट हंट कमिटीज टू बी फॉर्म्ड बाय द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इन एम्बिशियस प्लान टू क्वालिफाई फॉर फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के उद्देश्य से खेल मंत्रालय ने कितनी टैलेंट हंट कमिटीज बनाने का निर्णय लिया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, 5। 5 टैलेंट हंट कमिटीज बनेंगी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट जोन में अंडर खेलो इंडिया प्रोग्राम। किरण रिजिजू भारत के खेल मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर ट्रैफिक स्टडी विच टू स्टेट्स हैड द हाईएस्ट लेपर्ड पोचिंग इन इंडिया ड्यूरिंग 2015 to 2019। ट्रैफिक संस्था की द्वारा स्टडी के अनुसार किन दो राज्यों में तेंदुओं के अवैध शिकार की घटनाएं सबसे ज्यादा हुई हैं? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, महाराष्ट्र एंड उत्तराखंड। अगर 2015 से 2019 की बात की जाए तो 747 तेंदुओं की डेथ हुई, जिसमें 596 अवैध शिकार के मामले थे। तेंदुओं को IUCN लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। ट्रैफिक एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो WWF एंड IUCN के साथ मिलकर जंगली जानवरों और पेड़ पौधों के कंजर्वेशन के लिए काम कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्मार्टफोन मेकर कंपनी अनाउंस्ड अ टाई अप विद नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टीच फॉर इंडिया टू सेलिब्रेट इंडियाज 74th इंडिपेंडेंस डे। 74th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के मौके पर किस मोबाइल निर्माता कंपनी ने टीच फॉर इंडिया के साथ टाई अप किया है? द करेक्ट आंसर इज Xiaomi। Xiaomi ने 2500 स्मार्टफोन बच्चों को देने का फैसला किया है जो कि कोरोना से अफेक्ट हुए हैं। Xiaomi का हेडक्वार्टर है बीजिंग इन चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्टर फीचर्स इन द कैंपेन अनस्टॉपेबल इंडिया दैट इज लॉन्च्ड बाय फोन पे। फोन पे के अनस्टॉपेबल इंडिया कैंपेन में किस अभिनेता को प्रदर्शित किया गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, आमिर खान। फोन पे की फिलोसफी है करते जा बढ़ते जा, इसी को आगे बढ़ाते हुए इस कैंपेन के द्वारा लोगों को प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 विलेजेस ऑफ विच स्टेट विटनेस्ड द आउटब्रेक ऑफ अफ्रीकन स्वाइन फीवर। किस राज्य के 12 गांवों में अफ्रीकन स्वाइन फीवर की मौजूदगी दर्ज की गई है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, मेघालय। अफ्रीकन स्वाइन फीवर डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस है जिसकी फैमिली है असफार विरिदे। इसमें पिक्स के हेमोरेजिक फीवर देखा जाता है जिससे इनकी मृत्यु हो जाती है। इस साल भारत में ये तीसरा राज्य है अरुणाचल एंड असम के बाद जिसमें यह फीवर फैला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, August 13। अगर एक सर्वे की बात करें तो विश्व के 10% लोग लेफ्ट हैंडेड हैं, जिनमें महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि लिखते तो राइट हैंड से हैं पर खाना या अदर एक्टिविटीज लेफ्ट हैंड से करते हैं। इनके अलावा अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, सचिन तेंदुलकर, रतन टाटा, बराक ओबामा, ये सभी लेफ्ट हैंडेड हैं। न्यूटन और नेपोलियन भी लेफ्ट हैंडेड रहे हैं। ये इंटरनेशनल डे लेफ्ट हैंडेड पर्सन के प्रति एक सहानुभूति दिखाने का जरिया है। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, इस तरह की चेयर्स कम टेबल राइट हैंडेड पर्सन के लिए बनी होती हैं, जिनमें लेफ्ट हैंडेड पर्सन को लिखने में प्रॉब्लम होती है। ऐसे ही और भी एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑफशोर पेट्रोल वेसल सार्थक इज डिजाइन एंड बिल्ट इंडिजिनसली बाय विच शिपयार्ड। ऑफशोर वेसल सार्थक को किस शिपयार्ड द्वारा बनाया गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ये मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है और इस सीरीज का ये 4th वेसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया रैंक्स इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स एंड डैश इन टर्म्स ऑफ एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग।
इंडिया की रैंक इसमें बतानी है इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स एंड एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, फर्स्ट एंड नाइन्थ रेस्पेक्टिवली. लेटेस्ट डाटा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने कल ही जारी किया है जिसमें बताया गया है कि सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मर्स इंडिया में हैं और एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें तो इंडिया 9th नंबर पर है. एक बात और आपको मालूम होगी कि सिक्किम विश्व का पहला फुली ऑर्गेनिक स्टेट है, साथ ही त्रिपुरा एंड उत्तराखंड भी ऑर्गेनिक स्टेट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमा मंडल विल बी द नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ विच पब्लिक सेक्टर कंपनी. सोमा मंडल किस PSU की नेक्स्ट चेयरमैन होंगी. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल. सेल का मेन ऑफिस दिल्ली में है. ये विश्व की 20वीं सबसे बड़ी स्टील निर्माता कंपनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द ऑफिशियल स्पॉन्सर फॉर द इंडियन टीम एट द ओलंपिक गेम्स टू बी हेल्ड इन टोक्यो इन जुलाई 2021. 2021 में टोक्यो में होने वाले ओलंपिक गेम्स में इंडिया टीम के स्पॉन्सर कौन हैं. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर, इनोक्स ग्रुप. 2020 के समर ओलंपिक्स 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक टोक्यो में होंगे. इन 2020 ओलंपिक्स का मोटो है यूनाइटेड बाय नेशन. नए कंपटीशन जो इस ओलंपिक में ऐड किए गए हैं वे हैं 3x3 बास्केटबॉल, फ्री स्टाइल BMX एंड मेडिसन साइकिल, और जो पहली बार खेले जाएंगे वो हैं कराटे, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग एंड स्केट बोर्डिंग, और बेसबॉल एंड सॉफ्टबॉल की ओलंपिक में वापसी हुई है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एमिंग टू मेक द फॉरेस्ट ड्वेलर्स सेल्फ रिलायंट विच स्टेट हैज लॉन्च्ड इंदिरा वन मितान योजना. फॉरेस्ट ड्वेलर्स को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस राज्य ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू की है. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू, छत्तीसगढ़. इस स्कीम के तहत 10,000 ट्राइबल गांवों में युवाओं का एक समूह काम करेगा जो फॉरेस्ट बेस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ाने का काम करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टामार्ट अ क्विक डिलीवरी सर्विस एट डोर स्टेप्स विद इन 45 मिनट्स फॉर ग्रोसरीज एंड डेली एसेंशियल्स इज लॉन्च्ड बाय विच कंपनी. 45 मिनट में सामान आपके घर पर पहुंचाने वाली सर्विस इंस्टामार्ट किस कंपनी ने शुरू की है. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू, स्विगी. स्विगी का हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु में. इस तरह की फास्ट सर्विसेज अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, रिलायंस ने भी शुरू की है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI हैज लॉन्च्ड अ लॉयल्टी प्लेटफॉर्म नेम्ड एंथ रिवॉर्ड्स. व्हाट डज एंथ रिप्रेजेंट हेयर. नेशनल पेमेंट ऑफ इंडिया ने एंथ रिवॉर्ड्स नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है. इसमें एंथ का क्या मतलब है. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, इन्फिनेट पॉसिबिलिटीज. NPCI का हेडक्वार्टर है मुंबई में. NPCI के इस पोर्टल को यूज करके बैंक ट्रांजैक्शन करने पर कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जिनका यूज ऑनलाइन शॉपिंग में करने से डिस्काउंट मिलेगा. सृजन पोर्टल डील्स विद विच सेक्टर. सृजन पोर्टल किस सेक्टर से रिलेटेड है. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, डिफेंस. सृजन डिफेंस डॉट गव डॉट इन को डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन ने तैयार किया है. इस पोर्टल पर वे सभी आइटम्स देखे जा सकते हैं जो इंडिया फिलहाल दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट करता है. ये पोर्टल प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट करता है कि आप इन आइटम्स का प्रोडक्शन मेक इन इंडिया के तहत शुरू करें. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा 2 इक्विपमेंट्स भी लॉन्च किए जिन्हें पहले रशिया से इंपोर्ट किया जाता था. इनके नाम है कॉनकोर्स मिसाइल टेस्ट इक्विपमेंट एंड कॉनकोर्स लॉन्चर टेस्ट इक्विपमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू अरब कंट्रीज हैव डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद इजराइल. किन दो अरब कंट्रीज के इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, इजिप्ट एंड जॉर्डन. एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट जिसका नाम अब्राहम अकॉर्ड्स है US, इजराइल एंड UAE के बीच साइन हुआ है जिसके तहत UAE एंड इजराइल डिप्लोमेटिक रिलेशंस शुरू करेंगे एंड इजराइल वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों से अपना कब्जा हटाएगा. वेस्ट बैंक जैसा कि नाम से पता चलता है जॉर्डन रिवर के वेस्ट में एक लैंड एरिया है जो नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ में इजराइल से घिरा है. इसके ईस्ट में जॉर्डन कंट्री है. वेस्ट बैंक के ज्यादातर पार्ट्स पर 1967 से इजराइल का कब्जा है. अब जानते हैं मिडिल ईस्ट क्या है. मेडिटेरेनियन सी के साउथ और ईस्ट की लैंड मिडिल ईस्ट कहलाती है.
इसमें वेस्ट एशियन कंट्रीज, इजिप्ट, ईरान और टर्की का कुछ पार्ट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट लॉन्च्ड येलो चैन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऑन इंडिपेंडेंस डे? किस राज्य ने येलो चैन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू, नागालैंड। लोकल बिजनेस को प्रमोट करने के लिए ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूज किया गया है। नागालैंड के सीएम है नेपियू रियो और यहाँ के गवर्नर हैं आर एन रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर फॉर बायो फार्मा एनालिसिस इज ओपन्ड इन विच सिटी? किस सिटी में सेंटर फॉर बायो फार्मा एनालिसिस की शुरुआत की गई? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर, पुणे। ये सेंटर बायो फार्मा डेवलपर्स को एनालिटिकल सर्विसेज में हाई क्वालिटी रिजल्ट देने का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो डेवलप्ड सस्टेनेबल प्रोसेस टू मेक स्पेस ब्रिक्स ऑन लूनर सरफेस विद द हेल्प ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? इसरो ने किस इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर लूनर सरफेस पर स्पेस ब्रिक्स बनाने का प्रोसेस तैयार किया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर, IISc बेंगलोर। अर्थ से ब्रिक्स मून पर भेजना वायबल नहीं है, इसलिए इन दोनों इंस्टीट्यूशंस ने एक प्रोसेस डेवलप किया है जिसमें ह्यूमन यूरिन को लूनर सोयल में मिलाकर मून पर स्ट्रक्चर बनाने में काम में लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग लॉन्च्ड द ATL AI स्टेप अप मॉड्यूल इन कोलैबोरेशन विद विच ऑर्गेनाइजेशन? किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर नीति आयोग ने ATL AI स्टेप अप मॉड्यूल तैयार किया है? यहाँ पर ATL का मतलब है अटल टिंकरिंग लैब एंड AI का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री, NASSCOM। NASSCOM की फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। इस मॉड्यूल को यूज करने के लिए किसी प्रीवियस नॉलेज की जरूरत नहीं है। इस टूल का मकसद बच्चों में बेसिक से एडवांस लेवल तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समझ डेवलप करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्लाउड सर्विस हैज बीन सिलेक्टेड बाय द नीति आयोग टू हेल्प इट मॉडर्नाइज वाइटल IT इंफ्रास्ट्रक्चर इन 112 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट एज पार्ट ऑफ इट्स एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम? किस क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को 112 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में IT इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए नीति आयोग ने सिलेक्ट किया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, ओरेकल क्लाउड। ये मॉडर्नाइजेशन का काम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंडर होगा। इस क्लाउड सर्विस का मकसद टॉप परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट तैयार करना, DM को इस मिशन में हेल्प करना रहेगा ताकि लोगों तक ये डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनिवर्सिटी सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजिशन अमंग ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन द कंट्री इन रैंकिंग्स रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा जारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग में कौन सी यूनिवर्सिटी ने पहला स्थान प्राप्त किया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू, जामिया मिलिया इस्लामिया। इस रैंकिंग के पैरामीटर्स थे कि अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD, MPhil कोर्सेज में कितने एडमिशन्स हुए हैं, कितनी फीमेल स्टूडेंट्स हैं, बाहर के राज्यों या देशों से कितने बच्चों ने एडमिशन लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेट्रो कॉरपोरेशन हैज कंप्लीटेड इंडियाज डीपेस्ट वेंटिलेशन शाफ्ट? किस मेट्रो कॉरपोरेशन ने इंडिया की डीपेस्ट वेंटिलेशन शाफ्ट का निर्माण पूरा किया? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू, कोलकाता मेट्रो। ये शाफ्ट जो कि 43.5 मीटर डीप है, कोलकाता मेट्रो और एफकॉन्स जो कि एक प्राइवेट कंपनी है ने मिलकर बनाई है। इस तरह की शाफ्ट टनल्स में वेंटिलेशन देने के साथ साथ एमरजेंसी में इवैक्यूएशन के टाइम भी काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे किस दिन मनाया जाता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, 13th of August। आपको मालूम ही है कि जिंदा या मृत दोनों ही ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। लिविंग पर्सन केवल वन किडनी और लीवर का पार्ट ही डोनेट कर सकता है, जबकि डेड पर्सन या ब्रेन डेड की किडनी, दोनों लंग्स, हार्ट, लीवर, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज भी डोनेट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमर दुगल हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन? सिमर दुगल जिनका हाल ही में देहांत हुआ है वो किस प्रोफेशन से जुड़ी हुई थी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, फैशन डिजाइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हर्मल चिली, मोयरा बनाना एंड खाजे स्वीट डिश वर अकॉर्डेड GI टैग. दीज आइटम्स हेल फ्रॉम विच स्टेट? हर्मल मिर्च, मोयरा केला, खाजे स्वीट डिश जिन्हें GI टैग दिया गया है किस राज्य के फूड आइटम्स हैं? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, गोवा. ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री का हेडक्वार्टर है चेन्नई में और गोवा के CM है प्रमोद सावंत, यहाँ के गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक और यहाँ की कैपिटल है पणजी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अमाउंट हैज द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू ट्रांसफर एज सरप्लस टू द गवर्नमेंट फॉर द फिस्कल ईयर 2020? RBI फिस्कल ईयर 2020 के लिए कितना सरप्लस अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, 57,128 करोड़. RBI एंड सल्टन गवर्नमेंट के फाइनेंशियल ईयर्स अलग अलग हैं. 1 अप्रैल 2021 से RBI भी गवर्नमेंट के फाइनेंशियल ईयर को अपनाएगा. RBI का फाइनेंशियल ईयर होता है जुलाई से जून, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनेंशियल ईयर है अप्रैल से मार्च. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन कन्फर्ड विद ग्रामोदय बंधु मित्र अवार्ड? निम्न में से किसे ग्रामोदय बंधु मित्र अवार्ड दिया गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, शिव कुमार सुरमपुरी. ये ग्रुप हेड है ऑफ एग्रीकल्चर एंड IT बिजनेसेस अंडर ITC लिमिटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज एमर्ज्ड एज द टॉप मोस्ट स्टेट इन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन और अमृत स्कीम? किस राज्य ने अमृत योजना के इम्प्लीमेंटेशन में पहला स्थान प्राप्त किया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, उड़ीसा. ये रैंक मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा जारी की गई. चंडीगढ़ एंड तेलंगाना दूसरे तथा तीसरे नंबर पर हैं. अमृत स्कीम 2015 में लॉन्च की गई थी, जिसका मकसद हर घर में बेसिक सर्विसेज पहुंचाना और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट लॉन्च्ड कर्म साथी प्रकल्प स्कीम विद एन एम टू मेक द पुअर अनएम्प्लॉयड यूथ इन द स्टेट सेल्फ रिलायंट? किस राज्य द्वारा कर्म साथी प्रकल्प योजना की शुरुआत की गई, जिसका मकसद गरीब बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, वेस्ट बंगाल. इस स्कीम में अनएम्प्लॉयड यूथ को सॉफ्ट लोन यानी कम इंटरेस्ट पर लोन दिया जाएगा, ताकि वे अपना बिजनेस शुरू कर सकें. नेक्स्ट क्वेश्चन, कटरा दिल्ली एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर टू बी कंप्लीटेड बाय विच ईयर? कटरा दिल्ली एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर किस वर्ष तक पूरा हो जाएगा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, 2023. जब ये कॉरिडोर एक्टिव हो जाएगा, तब कटरा से दिल्ली का रास्ता 6.5 घंटे का रह जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट ऑन स्पेस कोऑपरेशन विद विच कंट्री? भारत ने किस देश के साथ स्पेस कोऑपरेशन के लिए एग्रीमेंट साइन किया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, नाइजीरिया. नाइजीरिया के प्रेसिडेंट है मोहम्मद बुहारी, यहाँ की कैपिटल है अबुजा और करेंसी है नाइजीरियन नाइरा. नाइजीरिया अफ्रीका की मोस्ट पॉपुलस कंट्री है और वर्ल्ड की 7th मोस्ट पॉपुलस. अगर यूथ पॉपुलेशन की बात की जाए तो इंडिया चाइना के बाद ये तीसरे नंबर पर सबसे युवा देश है. मैप में अगर देखें तो नाइजीरिया नाइजर, कैमरून, छाड और बेनिन से लैंड बॉर्डर शेयर करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, और इससे पहले एक बात और, ये मिंट एक मेजर इकोनॉमीज का ग्रुप है जिसमें मैक्सिको, इंडोनेशिया, नाइजीरिया एंड टर्की हैं. ये काफी ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं, जैसे ब्रिक्स है इसी तरह ये मिंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट पॉकेट एंड्रॉइड पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस फॉर कॉन्टैक्टलेस ऑर्डरिंग एंड पेमेंट्स इन इंडिया? किस कंपनी ने भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉइड पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस लॉन्च किया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, पेटीएम. पेटीएम का हेडक्वार्टर है नोएडा इन उत्तर प्रदेश और पेटीएम के फाउंडर एंड CEO हैं विजय शेखर शर्मा. और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं. यहाँ पर रेगुलर वीडियोस, अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं. साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं. दोस्तों, यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट भी दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी. थैंक यू.